फोन कर रही थी मैं तुम्हें, कहाँ थे तुम? अरे देर से कहाँ आया हूँ, जैसे ही तुमने मैसेज किया मैं आ गया। मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या बदतमीजी है? बाइक से उतार। ये बदतमीजी मैंने की। माफी, तीन लड़के मिलकर एक लड़के को मार दिया। काम तो हो गया, तुम दुबई मेरे साथ चल रहे। हाँ तो यही तो मैं चाहता था अम्मा, खाला को तो अपने साथ लेकर जाए ताकि ये सब देख कर उसकी आंखें फट जाए। हाशिम ने हदिया को तलाक दे दी। I'm sorry, हम आपके वाले साहब को नहीं बचा सके। अमित, डॉक्टर, आपको पता है हाशिम ने मुझे प्रपोज किया है। हदिया, आदिया बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। जी अम्मी, आ रही हूं। तुम्हारे बगैर कैसे जाएंगे वहाँ पे, तुम नाच गाना थोड़ी करोगी, जाके बैठ जाना। अरे अम्मी मेरी बात माने, आप लोग चले जाएं, वली में मैं चली जाऊंगी, मैं इतना जरूरी नहीं है। आपदा ऐसे करो कि तुम चली जाओ, मैं इसके पास रुकती हूँ, उसको बहुत तकलीफ है। अरे दादी आपका जाना जरूरी है, आप घर की बड़ी हैं, अच्छा लगता है क्या? आप जाएं, खाला का ससुराल है, जाएं। अरे जाना तो तुम्हारा भी जरूरी है, तुम्हारी खाला का ससुराल है। अम्मी मेरा ससुराल थोड़ी ना है, आप समझे ना बात, वली में मैं जाऊंगी, आप जाएं, जाएं, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, हम चलते हैं। तुम्हारे अबू आ रहे हैं दुकान से, ठीक है ना? चाबी बाहर रखी हूँ मैं, ताला लगा के जाऊंगी। अम्मी प्लीज जाएं, बहुत तंग करती हो तुम मुझे। अच्छा सुनो, तुम ऐसे करना कि बाद में पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के उसके अंदर पाँव को रखना, टकोर आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। हाँ, जाए ना, आप लोग तो जाए, देर हो गई। जा रही हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। हाशिम कहाँ हो? मैं घर पे। घर पर क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना तुम मिलने आओगे, मिलने क्यों नहीं आए? यार तुम्हें पता है ना कि चची जान मुझसे कितनी नफरत करती है, सारा अवॉइड कर रहा था। अच्छा तो अब घर पे कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ। क्यों कहाँ गए सारे? अम्मी और दादी शादी में गई है और अब्बू दुकान पर है, तुम जल्दी आओ, कितनी बातें करोगे। तो तुम क्यों नहीं गई शादी पे? नहीं गई ना, मुझे तुमसे मिलना था। तुम जानती हो ना कि मेरा खुद भी कितना दिल कर रहा है तुमसे मिलने का, लेकिन चचा जान आ जाए तब आता हूँ। क्यों इस तरह अकेले मिलना अच्छा ही लग रहा। तुम मिलने आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, जल्दी आओ। अच्छा अच्छा ठीक है। केले नहीं। हेलो, इतनी देर से फोन कर रही थी मैं तुम्हें, कहाँ थे तुम? अरे देर से कहाँ आया हूँ, जैसे ही तुमने मैसेज किया मैं आ गया। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी अम्मी से बात की? कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का, मुझे तो लग रहा है मेरी अम्मी बिल्कुल मूड में नहीं है मेरी शादी करने का। ओहो, तो जब तक वो मूड में आएंगी तुम्हारी शादी के, मेरी अम्मी परवेज के साथ मेरी शादी करा चुकी है। पागल होगी हो क्या? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा तो क्या करोगे तुम? मैं सोच रहा हूँ कि मैं दादी जान से बात करूँ। तो तुम अपने ख्याली पुलाव हमेशा बनाते रहोगे या बात भी करोगे? कब बात करोगे? मेरे पैर में एक तो इतना दर्द है, मैं चाय बना के लाती हूँ ना, बैठ जाओ। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम, अपने पैर को आराम दो वरना और सूज जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारे पाँव को? बहुत दर्द है। अरे बेटा मोच आ गई है, बेचारी शादी पे भी नहीं जा सकी। बेचारी, अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। आमीन। सुम्मा आमीन। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ।
अरे अरे ऐसे कैसे चलता हूँ, खाना खा के जाओगे तुम? अरे नहीं चाचा, तो कल लोग की क्या जरूरत है, अपना ही घर तो है ये। अपना घर है इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा ये पैसे लो, कोने पे होटल है वहाँ से निहारी और रोटियाँ। चाचा रखो ना, मैं ले आता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जाओ जल्दी लेके आओ, शाबाश जाओ। अच्छा सुनो, कोल्ड ड्रिंक भी ले आना, हाँ बड़ा दिल कर रहा है अबू। अच्छा भी ले आना। चलो आओ, तुम्हें घर छोड़ दूँ। चलो। आतिया, आदा ने मुझे भेजा है तुम्हें यहाँ से पिक करने के लिए। चलो आओ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हाशिम के साथ जा रही हूँ। आदिया मेरे साथ जा रही है, सुन लिया तुमने? जाओ यहाँ से। क्या बदतमीजी लगाई रखी है तुम लोगों ने यहाँ? अभी पता चलेगा तुझे, सबर कर, जब ही पता चलता है। ये बदतमीजी इन्होंने नहीं, ये बदतमीजी मैंने की, और सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि तुम्हारी बदतमीजी का सबक तुम्हें कैसे सिखाया जा सकता है। परवेज, ये सब क्या है, क्या कर रहे हो तुम? अब तुम जाओ ना हादिया, तुम घर जाओ। नहीं, ये सब क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम घर जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। हादिया तुम जाओ, मैं इन्हें देख लूं। बड़ा हीरो है तू, देख लेगा। कुछ नहीं, एक बात याद रख, कुछ भी नहीं कर। तेरी परवेज से दुश्मनी है तो हम लोगों से भी दुश्मनी है, सही है ना? देखो ये क्या करवा रहे हो तुम? मैं जो मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। आप ये सब नहीं, मेरे और परवेज के बीच में मत आओ। क्या कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं रोकता हूँ। अच्छा तुम रुको तो सही, इसको मारो, इसको नहीं मार, मार नहीं रहे हैं। अरे हादिया आ, घर ही जाना बस। तीन लड़के मिलके एक लड़के को मार दे, प्लीज जल्दी जल्दी चलिए। अब बीबी आराम से, कहाँ पर? सर जी पता है खाला जी का घर नहीं है हमारे, लेकिन आप देखिएगा अभी थोड़ी देर में मेरे अब्बा जी आएंगे, छुड़वा कर ले जाएंगे ज्यादा देर नहीं रहने देंगे मुझे यहाँ। दूसरी बात ये सर जी कि कत्ल तो नहीं किया ना कोई, हल्की फुल्की फैंटी चढ़ाई थी, अब आप उस बात की इतनी सजा देंगे हमें? अभी देखिएगा आप थोड़ी देर में आ जाएंगे, यहाँ पहुंचने वाले होंगे। ले आ गए। वैसे ये शैतान तो हो नहीं सकते, वो मैं हूँ, अलबत्ता इनकी उम्र बड़ी लंबी है। बात करें ना इनसे, क्या कर रहे हैं? जलील बेगैरत बेशरम, अरे अपनी नहीं तो कुछ मेरी इज्जत रख लेता, उल्टा लड़का उसे खूब फेंटी दो से। ऐसा बेगैरत बेटा तो किसी दुश्मन का भी ना हो। अब्बा जी बकवास बंद कर, अब्बा जी का बच्चा। ऐसी औलाद से तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहता। रखो जी इसे थाने में, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब्बा जी, अब्बा जी बात तो अब क्या बोलता है? ऐसे ही ऐसे गुस्सा कर गए, मुझे लगता है आज कोई गलत दवाई खा के आ गए। अब कैसा है मेरा बच्चा? बेहतर हूँ चाचा। मैं तो इससे बड़ा शर्मिंदा हूँ यार, परवेज ने बड़ी घटिया हरकत की है। अरे तुम क्यों शर्मिंदा, तुम्हारा क्या कसूर है? अरे नसीर ने तो खुद पुलिस को कहा कि उसकी तबीयत ठीक से साफ करो, गजब खुदा का मेरे बच्चे को अस्पताल पहुँचा दिया। कितनी बेदर्दी से मारा है मेरे बच्चे को, कितने जख्म दिए। मैं ठीक हूँ, मैं खाक ठीक हूँ। अच्छा अजमल,
मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मौका महल तो नहीं है मगर। नहीं नहीं भाईजान, आप कहिए। ये जो कुछ हाशिम के साथ हुआ है, इसमें हादिया बेटी का नाम आ रहा है, और हाशिम और परवेज की झगड़े में हादिया बेटी का नाम आना कोई मुनासिब बात नहीं है। हादिया हमारी ही बेटी है, उसकी इज्जत हमें भी इतनी ही प्यारी है। बंद करने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम इन दोनों का रिश्ता पक्का करें। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं, और वैसे भी हाशिम से ज्यादा प्यारा कौन है मुझे। लेकिन मुझे एतराज है। अरे हाशिम के पास है ही क्या कि मैं अपनी फूल जैसी बच्ची की शादी करा दूं इससे? ये रिश्ता सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकता है कि आप लोग ना अपना जो घर है मेरी बच्ची के नाम कर दें। ठीक है अब्दुल, अगर तुमने इस रिश्ते की कीमत लगा ही दी है तो मुझे ये कीमत मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है, ये निकाह इसी हफ्ते होगा बस। परवेज तुम्हारी जमानत हो गई। आप चल, जमानत हो गई, चल। और मामू, मुझे तो लगा कि अब्बा जी आए जमानत कराने के लिए, लेकिन आपने मेरी जमानत कराई है। इसी को क्या जरूरत पड़ी है जो तेरी जमानत करवाने आता? वो खैर यार, मैं आ गया या वो, एक ही बात है। लगता है अम्मा ने आपको सारी बात सच सच बता दी है। इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? वो इश्क माशक में थाना कचहरी आम सी बात है। लेकिन मामू, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। परेशानी कैसी बेटा, ज़्यादा का हुक्म तो सर आंखों पर। उसकी फ़ोन पर आंसुओं से भीगी आवाज़ सुन के मुझसे रहा नहीं गया और चला आया तेरी जमानत करवाने। बेटा रिश्ते का ही सही, पर हूँ तो तेरा मामू ना। चला तेरी माँ से मिलवा। सच में मामू, माँ बड़ी बड़ी खुशकिस्मत है, उसे तेरे जैसा भाई मिला है। सगे भाई से ज़्यादा प्यार करता है तू मेरी माँ से। आजा मामू, आजा, अपना ही घर समझ इसको। ये क्यों ले आए तुम इसे? सुनने देना था जेल में। गुस्सा थूक दे भाई, जवान खून है, गलती हो गई क्या? भाई औरों के भी जवान खून है, उनसे तो गलती नहीं होती ऐसी। इस जवान खून ने मुझे जलील करवा दिया है। बस ये एक गुंडागर्दी रह गई थी, वो भी इसने पूरी कर दी। छोड़ दे अम्मा, तो मुझसे प्यार ही नहीं है। इसको कहो यहाँ से दफा हो जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मजलूम की हालत, शर्मिंदा है अपने किए पर। नसीर भाई, अब आप भी माफ कर दें। ये सब इसकी माँ का किया था, गलत बातों पर शह देती रही है, ना पढ़ने लिखने दिया, ना कोई काम करने के काबिल छोड़ा, दुकान पर जाता नहीं है, सारा दिन आवारा गर्द लड़कों के साथ घूमता फिरता है। हाँ, जब कोई बात समझ ना आए तो सारा मलबा वहाँ पर डाल दो, बात खत्म। क्यों ना डालूं मलबा तुम पर? क्यों तुमने उम्मीद दिलाई कि परवेज की शादी हालिया से होगी जब लड़की राजी नहीं थी? तो बहन तो राजी थी ना, बहनों ही भी राजी हो जाता, सब राजी हो जाते। बस इसी ने जल्दी कर दिया हाशिम से फड्डा करने में, इसलिए खाला ने हादिया का रिश्ता हाशिम से कर दिया ना। बात 16 आने पक्की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका भी हल निकाल लेते हैं भाई। क्या हल? मैं इसे अपने साथ दुबई ले जाऊंगा, मेरी कंपनी में काम करेगा। सच? दुबई? तेरी कसम। देखा ना, मेरे मेके वाले ही काम आए हैं, बिगड़ी को इन्होंने बनाया के ये होते हैं मेके वाले। अरे दो तुम, देखो गफार, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक पास नहीं है कम बखत। कोई बात नहीं, उससे कौन सा वहां जाके सरकारी नौकरी करनी है, मेरा अपना कारोबार है, अब आ लूंगा अपने साथ। अब परवेज से कहो कि अपना पासपोर्ट बनवा ले, शराती का तो बना हुआ है ना उसका। हाँ हाँ, कब का बना हुआ है? बस तो एक हफ्ते में अपने साथ ले उड़ूंगा उसे। सजीला,
राफिया कहाँ हो? देखो मामू आए हैं, चाय पानी का बंदोबस्त करो। खाना तो खा के जाएंगे ना? खाना भी खाऊंगा और तुम्हारे हाथ का बना हुआ मीठा। अच्छा ये मेरा पासपोर्ट है मामू। जल्दी बन गया है, चलो अच्छा हुआ। हाँ लेकिन अब कितना काम रह गया और क्या क्या करना है? काम तो हो गया, तुम दुबई मेरे साथ चल रहे हो। मैं? लेकिन मैं वहां जाके क्या करूँगा? दुबई क्यों जाना चाहते हो? अमीर होने के लिए। कितना अमीर? इतना अमीर के लोगों का मुझसे चलन हो, हसद करें या मुझसे पछताएं कि इन्होंने उस घटिया फजूल लड़के को मुझ पर तरजीह दी थी। दूसरे लोगों से तुम्हारी मुराद खालबन हादिया? हाँ जी। बस यही जज्बा रखो, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अमीर कर दूंगा। ये जो नफरत होती है ना, ये मोहब्बत से ज्यादा जानदार होती है। इसकी आँच अगर दिल में भड़कती रहे ना, तो इंसान बहुत जल्द अपने मकसद को पा लेता है। बस तुम ये पासपोर्ट छोड़ जाओ और जाकर चलने की तैयारी। तो क्या मैं अपना सामान पैक करूँ? मतलब क्या भाई, टिकट वीज़ा सब हो जाएगा, बस तुम जाकर चलने की तैयारी करो। और वो सायदा कैसे है? ठीक। और तुम्हारे अब्बा? अब्बा को तो छोड़ दे, मस्त है अपनी जिंदगी में, उसे मस्त रहे। सब देख रहे हैं, छोड़ो। तो क्या हुआ? बीवी हो तो मेरी, और वैसे भी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, मनकूबा हूँ, समझे? मनकूबा? बीवी को कहते हैं पागल। पागल? अभी शादी हुई नहीं है और तुम इस तरह से बात करोगे मुझसे? और किस तरह से बात करूँ? बात जो मेरी नहीं मान रही। मानती तो हूँ मैं तुम्हारी बात, कौन सी बात नहीं मानी? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा और तुम कह रही हो नहीं मिलूंगी। अच्छा, कहाँ मिलने आओगे? घर पे? नहीं, मैं तुम्हें कॉलेज से पिक करूँगा। और अब तो हमारे बीच में उपरवेश भी नहीं। इतने खुशी के माहौल में तुम्हें उस मनहूस का नाम लेना जरूरी था? सॉरी, ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया। देखो कितना अच्छा हस्बैंड हूँ, सॉरी कर रहा हूँ तुमसे। ये कोई लड़का देख के गया आपके लिए। क्या है? डिवोर्स पेपर। ये जरूर उस परवेज की हरकत है, वो मनहूसी ये हरकत कर सकता है। मैं अभी जाके अब्बू को बता कर आती। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब इन तोटके के लोगों की बातों को हम अगर अहमियत देने लगे तो हो गया हमारा गुजारा। अब खुश हो? आप ऐसा करें, हॉस्पिटल चले जाएं। हॉस्पिटल? मगर क्यों? जरा तफसीली मुआयना हो जाए। ये जबड़े और सीने में दर्द का जो आप कह रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि ईसीजी हो। क्या मतलब? देखिए अबीब साहब, आपको किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ये अलामत जो आप बता रहे हैं,
मुझे लगता है कि कोई हार्ट का मसला हो सकता है। जी ठीक है। पीछे आज इतना मजा आया, इतना मजा आया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता है तुम्हारी खाला को भी मैं साथ ले गई थी, मुझे शॉपिंग करता देख देख कर उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ा मजा आया कसम से। हाँ तो यही तो मैं चाहता था अम्मा, कि खाला को तू अपने साथ लेकर जाए ताकि ये सब देखकर उसकी आंखें फट जाए। अच्छा सुन, कल मैं ज्यादा बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करूँ। अब्बा से कहना कि डिफेंस में जाकर एक बड़ी कोठी पसंद करे, वो खरीदनी है। अपना घर? हाँ अपना घर, अपनी कोठी, और 1000 गज से कम की नहीं होनी चाहिए, डिफेंस के इलाके में ही, बता रहा हूँ। इंशाल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हादिया कैसी है? अरे गोली मार हादिया को, भूल जा उसे। हमने अपनी आंखों से हादिया को हाशिम के हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए देखा रेस्टोरेंट में। मेरा तो देखकर दिल चाहती है कि मारूं चमाट। पता चल जाए इसको ये इश्क मशूकियां होती कैसी हैं। कैसी बातें कर रही है तू? अपनी होने वाली बहू को भी कोई चांटा मारता भला? अरे पेजे, दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? पागल हो गया क्या? कमाने वाला मेरा बेटा, एक निकाही लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊंगी? तौबा तौबा, ये तो मैं कभी ख्वाब में भी ना सोचूं। नहीं अम्मा, एक बात याद रखी, हादिया की शादी सिर्फ मुझसे होगी। होश में तो है, कैसी बातें कर रहा है? तो अच्छी तरह जानता है कुछ ही अरसे में हादिया की रुखसती होने वाली है। तो अम्मा तू किस लिए है? अपने बेटे की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। कह रहा हूं ना तुझसे, हादिया की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, बस। चल अब मुझे एक बड़ी जरूरी मीटिंग पर जाना है, कल बात करता हूँ तुझसे। अल्लाह हाफिज। हबीब साहब, एंजियोग्राफी तो आपको करवानी ही होगी, तभी सूरत हाल का पता चलेगा कि ब्लॉकेज कितनी है। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज हुई तो फिर? तो फिर बाईपास या एंजियोप्लास्टी, मगर ये एंजियोग्राफी के बाद तय किया जाएगा। इस पर खर्चा, इस मेरा मतलब इस सब पे खर्चा कितना आएगा? कम से कम 10 से 12 लाख रुपए। 10-12 लाख? ये क्या छुपा रहे हैं अब? कुछ नहीं, वो स्कूल का रजिस्टर है। तुम इस वक्त घर पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो शाम की क्लास होती है ना? जी मैं इस वक्त घर पे, मैं आपकी जासूसी कर रहा था। दिखाइए जरा क्या छुपा रहे हैं ये। ये क्या है अबू, आपने बताया क्यों नहीं? तुम दोनों तो खामखा परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ नहीं हुआ है तो बिला वजह आप डॉक्टरों के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्यों नहीं बताया मुझे और हाशिम को आपने? क्यों अकेले अकेले चले गए डॉक्टर के पास? तो आप देख लो, बताने का ये नतीजा है कि तुम दोनों भी अब परेशान हो गए। डॉक्टर कहता है कि दवाएं खाने से मैं और भी ठीक हो जाऊंगा। अबू ये तसल्लियां आप अम्मी को दे सकते हैं, मुझे नहीं। इस फाइल में साफ साफ डॉक्टर ने आपको बाईपास का ऑपरेशन रेकमेंड किया और आप कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। बाईपास ऑपरेशन? फिर क्यों क्यों आप अपना ख्याल नहीं रखते अबू? क्या ख्याल रखूं? कैसे रखूं? डॉक्टर ने 10 से 15 लाख का खर्चा बताया है, इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? कहां से आएंगे या अल्लाह, इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? वो प्रोविडेंट फंड अम्मा के पिते के ऑपरेशन के वक्त निकलवा लिया था। अब कोई कीमती चीज भी नहीं है जिसे बेचकर इस रकम का बंदोबस्त कर सकूं। आ,
क्या जरूरी बात? आदिया मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई कीमती चीज है जिसे बेच के मैं अबू का इलाज करवा सकूं। मेरे पास अगर अगर वसाइल होते ना तो आई स्वेयर मैं प्लीज प्लीज हाशिम, ये बातें कह के तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे। ये घर तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा है। तुमसे और तायबू से ज्यादा बढ़के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जो मकान के कागजात हैं वो अम्मी की अलमारी में रखे, और तुम अम्मी को अच्छे से जानते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट्स ओके। नहीं नहीं, वो मैं मैनेज कर लूंगी। सॉरी आदि, तुम जानती हो ना कि मैं इस वक्त बेहद मजबूर हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा खूबसूरत और शानदार घर लेके दूंगा। भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? ऑफ कोर्स। आज मुझे घर नहीं चाहिए, ये मिट्टी का बना हुआ मकान मुझे वो खुशी नहीं दे सकता जो मुझे तुम्हारे साथ रह के मिलती है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। जानता हूँ आदि, मगर ये भी अच्छे से जानता हूँ कि औरत कितनी हसास होती है अपने घर को लेकर। मैंने मैंने देखा है अपनी अम्मी को। अच्छा सुनो, प्लीज इस बात का जिक्र किसी से मत करना। तुम चाहती हो ना कि भूखो अगर पता चला तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम मुझे पागल समझती हो? समझता तो मैं तुम्हें पागल ही हूँ। पागल तुम्हें, पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, समझे? थैंक यू आदिया, थैंक यू सो मच। कैसे खड़ी हो भाई? रास्ता दोनों बेचारे को बैठने दो। अरे रहने दे खाला, लगता है आदिया मुझे देखकर सकते में आ गई। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम बैठो आके, जाओ चाय बनाओ उसका। चलो हटो, आओ बैठो, बैठो बैठो, आए खाला चाय बनाओ ना, बैठो बैठो। अरे तुम्हें देखकर कौन सत्ते में नहीं आएगा? कहाँ वो पहले वाला छिछोरा लोफर बदतमीज सा परवेज, और कहाँ आज का परवेज। जी कैसी हो आदिया? मैं ठीक ठीक हूँ। किसको? आशिम को फोन कर रही थी। मेरा मतलब आपसे मतलब। कहाँ जा रही? घर आए हुए मेहमानों के साथ कोई ऐसा करता है? और वैसे भी अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी पर्सनालिटी चेंज हुई तो तुम से आप पे आ गए। अच्छी अच्छी तब्दीली है, और जानती हो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और बहुत सी तब्दीलियां आनी है। तुम्हारा हुलिया चेंज हो गया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उतना ही घटिया और उतना ही खराब। हाँ ठीक कह रही हूँ, मेरा दिमाग उतना ही खराब, और जानती हो मैंने इसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की है। इसमें तुम जो रहती। देखो परवेज, तुम बहुत दिनों के बाद इस घर में आए हो, इसलिए लिहाज कर रही हूँ, बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। जाओ जाके लॉन में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं। क्या हो गया तुम्हें?
कितने अरसे के बाद आया हूँ, आज जी भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। परवेज, मैं हाशिम की बीवी हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी हो। गंदे हो, गंदी सोच। ने से किस चीज की फाइल दी? हाशिम प्रॉपर्टी डीलर के पास क्या कर रहा है? एहसन का फोन आया था मेरे पास, जैसा वो मेरा भांजा है वैसे तुम भी, इंशाल्लाह अच्छी कीमत मिल जाएगी। कि मसूद साहब, जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे फूफा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हाँ बेटा, फिक्र नहीं करो, जल्दी करवा दूंगा। चले शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा अच्छा, तो आप दुबई से आए और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? जी मैं इसीलिए आया हूँ आपके पास। अच्छा एक बात बताइए, अभी मेरे आने से पहले एक लड़का आया था आपके पास, कौन था वो, किस काम के लिए आया था? पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं उसको जानता हूँ, अगर आप बता देंगे तो याद आ जाएगा। वो हाशिम हबीब अपनी बीवी का मकान बेचना चाहता है। क्या कीमत होगी उस मकान की? यही कोई 40-45 लाख रुपये का होगा। एक काम कीजिए, मेरी तरफ से 60 लाख की ऑफर लगा दी। आपने तो ना मकान देखा ना लोकेशन, और बगैर देखे ही। हुजूर साहब, आपका कमीशन मैं डबल कर दूँ, लेकिन आपने वो घर किसी भी कीमत पर किसी और इंसान को नहीं बेचना। अरे वो तो हादिया का निकाह हो गया है, मैं क्यों चाहूंगी कि... एक मिनट खाला, मैं हादिया के निकाह को नहीं मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप यूं से अहमियत ना दें। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि अम्मा जो मर्जी कहें या करें, मुझे हादिया से ही शादी करनी। परवेज बेटा, ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन है? क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ, या हादिया के लिए आपको हाशिम मुझसे बेहतर लगता है? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मुझे वो कंगला हाशिम अच्छा लगेगा क्या? अरे तुमसे बेहतर तो और कोई है ही नहीं मेरी हादिया के लिए। लेकिन क्या करूँ मैं, हादिया का तो निकाह पढ़वा दिया है हमने। भूल जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे, कैसे भूल जाऊं भाई, वो बाप दादी सबसे बढ़ के हादिया। एक बात तो तय है, हादिया की शादी मुझसे, आप ना अम्मा की परवाह करें और ना ही हादिया की, बस आप मुझ पर भरोसा रखें। हाशिम ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, वो जो घर उन्होंने हादिया के नाम किया था ना दुनिया को दिखाने के लिए, आदिया को बेवकूफ बनाकर ले गया है। क्या? भाईजान आपका ऑपरेशन कब है? 25 तारीख दी है। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ भाईजान कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका, क्योंकि मेरी दुकान भी कुछ अच्छी नहीं चल रही आजकल। और कोई बात नहीं, तुम्हारा साथ और तुम्हारी दुआएं ही बहुत हैं। अरे आप परेशान क्यों होते हैं, ऑपरेशन भी हो जाएगा और 30-40 लाख रुपए हाथ में भी आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें, पैसों की इन्हें क्या जरूरत है। क्या कह रही हो आप तो? अरे सही तो कह रही हूँ, इतना मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भाई साहब, हमें अगर इतना बेवकूफ बनाना ही था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या कह रही हो आपदा तुम? सच कह रही हूँ, मेरा मुंह ना खुलवाएं आप। आखिर हुआ क्या है आपदा? अब मैं आपको बताता हूँ। अरे तुम क्या बताओगे, मैं बताती हूँ, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ये सब कुछ ना तुम लोगों की मिली भगत है। मेरी बच्ची के कुछ नाम करके
साजिश करके वापस ले ली। खुलकर बात करो आपका, क्या मिली भगत? हाशिम ने हादिया से घर वापस नहीं ले लिया। अब तक तो शायद ये घर बिक भी चुका हो। क्या कह रही हो आपदा? आपदा क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? अरे एक मैं ही तो होश में हूँ। आपके सर पे ना अपने भाई की ना मोहब्बत सवार है। ऐसी शर्त पे तो ये रिश्ता हुआ था कि मेरी हादिया के नाम पे ना ये घर होगा। अरे नाम पे क्या होना था, हादिया से कागजात वापस मंगवा के ये घर बेच ही दिया। सोचे सगा ताया ताई ने ना हमारी बच्ची के साथ जुल्म किया है। पहले चीज दी और फिर वापस ले ली, क्या तरीका है, वाह। हाशिम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे आपके इलाज के लिए। अरे 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 रहने दो, इलाज का बहाना। जैसे मैं नहीं जानती तुम लोग कितने बेचैन थे जब ये घर ना मेरी हादिया के नाम हुआ था, खास तौर पे नगमा भाभी। इलाज के बहाने सब कुछ वापस हड़प कर लिया। अरे बड़ी घटिया हरकत की है, बगैरती की तो हद कर दी है आप लोगों ने। अरे अगर घर वापस चाहिए था तो हमें बता ही देते, हम अपनी बच्ची के सदके में ना इस खंडर को वापस दे देते इन्हें। बस कर दे चाची जान, अब आप हद से आगे बढ़ रही। मैं तो इलाज के लिए सिर्फ 15 लाख चाहिए थे और बाकी जितने पैसे बचने थे उससे मैंने हादिया को फ्लैट लेकर देना था। अब अगर कुछ देना है ना तो तलाक दो और ये किस्सा खत्म करो। अरे अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम नहीं, आप कहीं बड़ा आदमी हूं मैं, तुम्हारी तरह का गरीब नहीं। और मैं तो वैसे भी यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तुम्हारा वो घर खरीदने आया हूँ। तुम्हें तो मैं ये घर हरगिज़ नहीं बेचूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा वो खंडर नुमा घर खरीदने का। वो तो अपने मसूद साहब जो है, इन्होंने तुम्हारी मुफलिसी, मजबूरी, गुर्बत सबकी कहानियां सुनाई मुझे और मुझे तुम पर तरस आ गया। मसूद साहब, मुझे ये घर इस शख्स को नहीं बेचना, आप प्लीज मेरी फाइल वापस। अच्छा आप मेरी बात सुने, आप प्लीज इधर आए, इधर आए, मेरी बात सुने। हाशिम साहब अजीब बात कर रहे हो, इतनी जल्दी इतनी अच्छी कीमत आपको नहीं मिलेगी। और याद रखिए एक बात, अगर ये डील कैंसिल हो गई ना तो एक महीना और लग जाएगा इसको बिकने में। मैं इस घटिया आदमी को अपना घर हर किसी नहीं बेचूंगा। घर कोई भी खरीदे, आपको इस वक्त पैसों की जरूरत है, अपनी जरूरत को देखें इस वक्त। आप मसूद साहब देखें, सच्ची बात है, आप बिलावजह अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो बेकार आदमी है, कोई कामकाज भी नहीं है। मैं मसरूफ आदमी हूँ सर, मुझे जाने दीजिए। अरे, 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 अरे प्लीज़ 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 परवेज साहब, आप बैठिए, प्लीज़ बैठें, आप मैं आपके लिए ठंडा मंगाता हूँ, प्लीज़ बैठें। ठंडा गर्म क्या करना है। नहीं ना मसूद साहब, बात को समझने की कोशिश करें। जिस काम की शुरुआत में इतनी बकबक चिक चिक हो जाए वो काम वैसे भी नहीं करना चाहिए। देखें बनी बनाई डील खराब हो जाएगी, समझा करें बात को। अच्छा चले, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं सोच सकता हूँ इस बारे में, लेकिन लेकिन अब मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? आप जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे, हम आपस में बात कर लें। श्योर, जरूर। थैंक यू। समझ सकता हूँ, मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे जलील करने के लिए, और तुम्हारा मकसद भी क्या हो सकता है? तुम्हें नीचा दिखाने के लिए? तुम्हें नीचा दिखाना तो मेरी चुटकी का काम है। असल बात यह है कि तुमने एक ऐसी चीज पर अपना हक जमा रखा है जो तुमने मुझसे छीनी थी, उस पर मेरा हक था और तुम बेजा उस पर अपना हक जमाए बैठे हो। बस अगर तुम उससे दस्तबरदार हो जाओ, छोड़ दो उसको, तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें हादिया को तलाक दे दूं। इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे ये बकवास करो? क्या हो गया तुम बेवकूफ आदमी? दौलत में बड़ी ताकत होती है, जो दौलतमंद होता है ना सब कुछ कर सकता है। तुम ठहरे गरीब आदमी, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरा गिरेबान पकड़ लो?
मेरा ब्रांडेड सूट, मैंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया होगा इसको। देखो बात सीधी सी, अगर तो तुमने ये घर अपना बिकवाना है तो मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो भी तुम्हारी मर्जी है, मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है? जी अभी क्या, अभी तो अब्बू की तबीयत ठीक थी, यूं अचानक कैसे? तुम ठीक कह रहे हो बेटा, सुबह काफी बेहतर महसूस कर रहे हो। डॉक्टर फौरन ऑपरेशन करना चाहते हैं, मगर इससे पहले एडवांस जमा करवाना होगा। अब फिक्र मत कीजिए, मैं आता हूँ, ठीक हो जाएगा सर। बात जो नहीं मानते तुम। अरे मसूद साहब, मेरा ख्याल आपकी डील हो गई है। मुझे इन साहब को कोई घर नहीं बेचना, आप प्लीज आज ही नया ग्राहक ढूंढिए और मुझे रकम दिलवाइए। आशीन साहब अजीब बात कर रहे हैं आप, ये डील कोई फ्रिज टीवी की डील थोड़ी है जो घंटे दो घंटे में हो जाएगी। देखिए इस डील में भी दो हफ्ते लग गए, और याद रखें अगर ये डील दोबारा हुई ना तो महीना लग सकता है। फोन आ रहा है। हादिया का फोन है। पता है क्या है, जब से चार पैसे जेब में आए हैं ना उसे भी अच्छा लगना शुरू हो गया। हाय बेबी, कैसी हो? गलीज इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरे की बीवी से इस तरह बात करते हुए? अरे नहीं हादिया बेबी, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया। मैं जितना भी बिजी हूँ तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। टाइम? अपना फालतू टाइम अपने पास ही रखो और ढूंढ लो कोई टाइम पास जिसके साथ टाइम पास करते रहना, मेरा पीछा छोड़ दो। अरे बाबा माफ कर दो ना, मैं मानता हूँ गलती मेरी है जो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का गिफ्ट नहीं दे सका। हादिया बेबी प्रॉमिस, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा अपने साथ और जो तुम्हें चाहिए सब दिलवाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जन्नत ना जाऊं? तुम बाजार की बात कर रहे हो? सुनो, मेरे और हाशिम के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहा ना, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो जो एक दीवार थी ना हमारे बीच में, वो बस गिरने वाली है, फिर सिर्फ मैं और तुम होंगे बस। मेरी प्लीज इतनी टेंशन मत लिया करो, तुम हो ना मेरा एहसास करने के लिए। एहसास? एहसास करे मेरी जूती, समझे? पीली ये लगता है तुम, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रहे। देखो मैंने फोन सिर्फ तुम्हें इसलिए किया है कि। अरे तुम ना भी बताओ ना। तो समझो मैं तुम्हारी बात समझ जाता, बस वो डायमंड रिंग अब बस तुम्हारे पास आने ही वाली। हम दोनों इकट्ठे जाएंगे बाबा और उसकी पेमेंट करके आएंगे, और तुम अच्छी तरह जानती हो 5-6 लाख रुपया तो मैं बस यूं करके तुम पर लुटा सकता हूं। बस तुम मुझे इसी तरह प्यार करती रहो। गलीज कमीने इंसान, जो भी हूं जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं बेबी। क्या सब लोग खड़े हैं? मैं ओके, आई लव यू टू, बाय। पता नहीं कितने बेगैरत मरे होंगे जब ये पैदा हुआ है, बात करने के लायक नहीं कमीना गलीज इंसान। मेरी होने वाली मंगेतर का फोन था, नाराज हो रही थी मुझसे कि डायमंड रिंग दिलवाने का वादा किया था लेकिन वक्त ना होने की वजह से दिलवा ही नहीं सका। अब देखिए ना, मैं इन मुसीबतों में पड़ा हूँ और यहाँ पर हाशिम साहब वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये मूड में नहीं है घर बेचने के, तो मुझे इजाज़त दीजिए बस मैं चलता हूँ। जी अम्मी आप परेशान मत हो, मैं प्यार। अच्छा जी इजाजत दे, वो लंबी बात है कोई। रुको, मुझे मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। आपदा आ भी चुको ना, अब कौन से काम रह गए हैं? हाँ चले चले। ओ हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी। कैसी हैं आप? ठीक है,
मामू कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, कहीं जाने की तैयारी है लगता है? तुम जिस काम के लिए आए हो ना, अगर वहीं तक महदूद रहो तो बहुत अच्छा है। खैर, मैं तो जो काम करने आया था वो कर ही लूंगा, लेकिन मामू ये बाहर कोई लड़का आया था आपके लिए देकर के। मेरे लिए? और सब खैरियत है घर पे? सब फिट फिट फिट। अजमल देख, खैर तो है ना? अरे क्या हुआ बता मुझे, खैर तो है? क्या हुआ अजमल? खैरियत तो है, क्या लिखा हुआ इसमें? हाशिम ने क्या किया? हाशिम ने, अरे हबीब तो ठीक है ना? अरे आज तो उसका ऑपरेशन था दिल का। अरे क्या किया हाशिम ने बताओ, क्या लिखा है इसमें? हाशिम ने हदिया को तलाक दे दी। ये सही नहीं है ना? हादिया, मैं आप पर काबू। वो घटिया इंसान वैसे भी तुम्हारे काबिल नहीं। कहा था ना मैंने आप सबको, वो लड़का ना मेरी फूल जैसी बच्ची के लायक नहीं है। नहीं, आप सबने अपनी मनमानी की, एक नहीं सुनी मेरी। देख ले क्या किया उसने मेरी बच्ची के साथ। अब वैसे आपदा सच पूछो तो ये कागज तुम्हारा ये भांजा छिछोरा नकम्मा कमीना ये लेके आया है अंदर? अरे यही चाले तो वो खेलता है दुबई में भी। ये तो कौन चार दिन में इतने ऊंचे ऊंचे महल बनाता है, अशोकियां मारता फिरता है ये। क्या बात कर रही हैं आप खाला? ठीक कह रही हूँ मैं। खुदा का खौफ करे खाला, जिसने तलाक नामा भेजा है वो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन ये बेचारा परवेज आपको बुरा लग रहा है। क्या हो गया आपको? पता नहीं क्यों, मुझे तो लगता है एक सारे चक्कर में ना आप ही का हाथ है। चुप करो आपका। क्यों चुप करूं मैं? पूरी जिंदगी चुप करती आई हूं मैं, आज मैं चुप नहीं करूंगी। ये मेरी बेटी का मामला है। मैं किससे बात करूं, हबीब भाई से या भाभी? बात करूं? किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची कोई सड़क पे पली थी क्या? दफा करें, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, बाहर में जाएं। हम किसी से बात नहीं करेंगे, लात मारे उन्हें। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना आशा? मियां आप परेशान क्यों हो रही हैं? अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम अबू को अपने साथ घर ले जाएंगे। घर? कौन सा घर? हम कहां जाएंगे आशा? मैंने बात की है प्रॉपर्टी डीलर से, वो मुझे बताएगा बचे हुए पैसों से छोटा सा फ्लैट तो खरीदा जा सकता है। सब कुछ बिक गया, अब अल्लाह करे तुम्हारे अब्बू जल्दी ठीक हो जाए। हाँ अम्मी, सब कुछ बिक गया मेरा, बस वो ठीक हो जाए। हाशिम, आई एम सॉरी, हम आगे वाली सबको नहीं बचा सके। हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन उनका दिल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था,
आगे जो अल्लाह की मर्जी है। मम्मी, डॉक्टर, नर्स, कोई है? मम्मी, अरे कोई है? इतना बड़ा फैसला तुमने खुद से कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों किया? मैं मजबूर था मैं। मजबूर थे? ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि तुमने हाथिया को तलाक दे दी? वो जो तुम्हारी चाहत थी, जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते थे। सिर्फ मोहब्बत और चाहत ही काफी नहीं होती, आप समझती क्यों नहीं है अम्मी? ये जिंदगी सिर्फ एक जज्बे के सहारे नहीं गुजरती। पछताती मुझसे शादी करके आ दिया, सोचा कि उससे पहले ही आजाद कर देता। शौहर की मोहब्बत हो ना तो औरत झोपड़ी में भी गुजारा कर लेती है, और हादिया उन लड़कियों में से थी वो तुम्हारा हर हाल में साथ निभाती। मैं नहीं मानती, मैं अजमल से और आपदा से जाकर बात करूंगी। मैं नहीं मानती इस तलाक को, ऐसे ऐसे तलाक नहीं होती। कोई बात नहीं करेंगी आप, आपको मेरी कसम। और वैसे भी कहने को भी कुछ नहीं बचा, एक ही चीज तो दी थी मैंने हादिया को, और वो चीज भी मैंने उससे वापस ले ली। अब तलाक दी है ना, ये मैं वापस नहीं लूंगा, ले भी नहीं सकता। अच्छा है, मेरी दी हुई कोई सौगात तो उसके पास रहेगी। हाशिम, क्या हो गया? अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। अच्छा सुने सुने, आप ना वापसी पे ना ये सब सौदा ले आइएगा जरा। ये क्या है? कुछ सामान है, कीमा, आलू, गाजर, मटर, गरम मसाला। किसकी दावत कर रही हो? दरअसल जायदा आपस पूरे खानदान के साथ खाने पे आ रही है रात को। खैरियत है? हाँ हाँ खैरियत ही है, बिल्कुल खैरियत है। अरे असल बात बताओ ना इसे। दरअसल वो हादिया का रिश्ता मांगने आ रहे हैं। हादिया के? हाँ, एक ही बच्ची है इस घर में, और किसका रिश्ता मांगने आएंगी वो? हादिया से पूछ लिया है क्या? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस मैंने फैसला कर लिया है, हादिया की परवेज से ही शादी होगी। वैसे मेरी सलाह है कि एक बार फिर पूछ लेना, क्योंकि उसे तुम्हारा वो लोफर और छछोरा भांजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाला मेरी बात सुने, आपने ना हादिया के कान नहीं भरने परवेज के खिलाफ, आज दिन तक जो कुछ हुआ है ना आप ही की वजह से हुआ है इस घर में। आपदा, तमीज से बात करो। सच बोल रही हूँ, सच बोलती हूँ तो बदतमीजी हो जाती है, आपको तो इस घर के हालात पता है। खैर, आते वक्त ही सामान ले आइएगा। वाकई में यार, जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ये बात तो हम दोनों जानते हैं कि इंटरव्यू हो जाते हैं, लेकिन जॉब पहले से किसी को दे दी गई होती है। यार मेरी मानो, नौकरी वोकरी छोड़ दो। क्या करूंगा यार? यार सीएसएस की तैयारी करो। सीएसएस? यार तुम सही नो, तुम कर सकते हो। जहीन, अगर जहीन होता ना तो ये सब ना होता मेरे साथ, जो भी हुआ। अब निकल जाओ खुद तरसी के आलम से, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। पुरानी मोहब्बत को याद करके रुक जाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। और पुरानी मोहब्बत को भूल के आगे बढ़ जाने को खुदगर्जी कहते हैं। यार ऐसा
CSS करूंगा तो घर कैसे चलेगा? यार जानता हूँ इतना आसान नहीं है, तुम्हारी फैमिली कितनी है, तुम हो और आंटी हो, तुम पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब? वही एकेडमी जहाँ अंकल जॉब किया करते थे, तुम उनसे रिक्वेस्ट करो, वो तुम्हें जॉब दे देंगे। मेरा ख्याल है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। और तुम ही कहा करते थे ना कि अंकल चाहते थे कि तुम CSS करो। हाँ मगर। यार अगर मगर कुछ नहीं, सोचो इस बारे में। आज मुझे मेरा एक पुराना शागिर्द मिलने आया था, तबरीज हाशमी। तबरीज हाशमी, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ जरूर सुना होगा, आजकल वो इस शहर के DC डिप्टी कमिश्नर। बड़ा लाइफ लाइक जुड़ी था और बादल भी, ब्रिलियंट स्टूडेंट। उससे मिलके मुझे आज बहुत खुशी कि मेरा शागिर्द इस मकाम पे। यार हाशिम, मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम भी CSS करो, कुछ बन के इस मुल्क की खिदमत करो। इंशाल्लाह। शायद ऐसे ही ठीक कहता है, थोड़ी सी मुशक्कत और तकलीफ से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं जो वो चाहते थे। सुनो भैया, मान भी जाओ तुम लोग, बस सरल सी बात मेरे मुंह से निकल गई, तुम लोगों ने तो दिल पे ले ली। इतनी बड़ी बात ऐसे ही मुंह से नहीं निकलती। आपा, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स रख दी हम लोगों के सामने, हमें तो अंदाजा नहीं था कि आप शर्तों पर ये रिश्ता करना चाहती हैं। अम्मी जान भी बहुत नाराज है। अच्छा तो खालू आप मुझे बताइए, मैं दादी को मना लेता हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ बेहतर होगा, खुद ही बात कर लो। खालू आइए, आइए खालू, चलते हैं, मुझे लेकर जाइए, मैं उन्हें मनाता हूँ। कहाँ है? कुछ देना था आपको। ये क्या है? ये मैं कल भी लेकर आया था, लेकिन वो अम्मी और सजीला ने मूड खराब कर दिया, इसलिए नहीं दिया। है क्या? देखें, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तोहफा है ये, कोई रिश्वत नहीं दे रहा मैं किसी काम के लिए। माना बहुत बुरा समझती हैं आप मुझे, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती मुझसे, लेकिन इसमें मेरी मोहब्बत है, मेरा खुलूस है आपके लिए। देख लीजिए और खुद ही फैसला कर लें। मगर ये कागजात हैं किस चीज के? दादा के घर के। आपके घर के कागजात हैं? वही घर जो उस हाशिम ने चलाकी से हादिया से छीन लिया था और उसे वापस भी नहीं किया। मैंने वो घर वापस लिया है, और ना सिर्फ वापस लिया, मैंने वो घर हादिया के नाम कर दिया। दादो देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों की चीज छीन कर उन्हें वापस नहीं करते। मैं तो उन लोगों में से हूं जो दूसरों को खुशी देते हैं तो उसी में उनकी खुशी होती है। और दादो, आपकी तो इस घर से कितनी यादें वाबस्ता है ना, कितना वक्त गुजारा है आपने यहां, मुझे अच्छी तरह पता है। आपको तो इसके दरो दीवार से मोहब्बत है। इसलिए मेरी प्यारी दादो, मैंने ये घर वापस ले लिया उस, और आप खुद बताए ना मुझे, ये खुशी तो मेरे अपनों की होनी चाहिए, कोई गैर क्यों रहेगा वहां जाकर? ऐसे पैसे का क्या फायदा जो अपनों को खुशियां ही ना दे सके? मेरी इतनी प्यारी दादो,
मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों को खुशियां दूंगा ना, ये तभी बात बनती। दादो मैं हादिया से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। और रहा सवाल जो कुछ भी कल हुआ ना, वो अम्मी और सजीला की सोच थी, मेरी सोच क्या है वो ये है, आगे आप लोग देख लें आप लोगों का क्या फैसला है। हम हादिया से बात करेंगे। देखो फैसला तो हादिया नहीं करना है ना। अम्मी जान ठीक कह रही हैं, आखिरी फैसला तो हादिया ही करेगी। खालू आप ठीक कह रहे हैं, जिंदगी हादिया की है, फैसला भी उसी को करना चाहिए, उसका हक बनता है। लेकिन आप लोग भी तो मेरे अपने हैं ना, आप लोग अगर मेरी वकालत करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज इसका जिक्र मेरे घर वालों के साथ ना कीजिएगा, आप अम्मी की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, ऐसे ही बिला वजह वो दादो प्यारी दादो बस यही करना था मुझे। तो फिर क्या जवाब दोगे तुम लोग, हमने शादी की तैयारियां भी तो करनी है। बहुत जल्द जवाब हाँ में होना चाहिए, बड़े मान से आए हम लोग। जो अल्लाह को मंजूर है। अच्छा खालू हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान? माँ सदके इतना सा मुंह निकल आया, आप दाल इसे खाने को नहीं देती हो? आप लोग यहाँ? हाँ हम सब एक बार फिर, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तो इतनी आसानी से रिश्ते के लिए हाँ नहीं करने वाले, वो चाहते हैं कि हमारी जूतियाँ घिस जाएं आगे, जैसे पहले जमाने के लोग करते थे कि जब तक लड़के वालों की जूतियाँ घिस नहीं जाती थी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते थे। अब यही सब कुछ तुम्हारे घर वाले हमारे साथ करने वाले हैं। कल सब कुछ खत्म हो गया था, फिर आप ये सब। बेटा ऐसे कैसे खत्म हो सकता है, अपनों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं लेकिन मोहब्बतें तो कभी खत्म नहीं होती ना, क्यों आप तब बोलो ना। कल जो भी कुछ हुआ उसके बाद और उससे पहले भी मैं परवेज से शादी करने के लिए कभी भी राजी नहीं थी। हादिया तुम अंदर जाओ, ये बड़ों की बातें होती है, बड़ों के फैसले होते हैं। अम्मी मैं जानती हूँ ये बड़ों की बातें हैं, लेकिन ये बातें मेरी जात के बारे में हैं। बेटा तुम अंदर जाओ, बाद में बात करेंगे। अच्छा खालू खुदा हाफिज। ठीक है खुदा हाफिज। अच्छा आपदा खुदा हाफिज। अम्मी अम्मी प्लीज दरवाजा खोलें, कुछ खा लें प्लीज। नहीं जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। दादी देखिए ना। हादिया बस कर जा, वो नहीं खोलेगी, वो जिद की बहुत पक्की है। अम्मी अम्मी प्लीज अम्मी प्लीज दरवाजा खोले ना प्लीज। चल तू ही मान जा ना, बस कर दे। कमाल करते हैं आप लोग, शुगर पेशेंट है ये, इनका बहुत ख्याल रखना होगा आपको। कोमे में भी जा सकती थी, आइंदा अगर इन्होंने खाना पीना छोड़ा तो इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ये दवाइयाँ लिख दिया है, ये बस सॉरी। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए, आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा करूंगी। अब तो ठीक हो जाए प्लीज। सच
आधिया, ये कहीं वही शर्ट तो नहीं जो तुमने हाशिम के निकाह पर पहना था? कमाल करती हैं आप अम्मा, इसके ताया की फैमिली ने तो इसको हर एक चीज देके वापस ले ली थी, फिर जाहिर है जेवरात भी ले लिए होंगे, सिर्फ इस मोहतरमा को हमारे लिए छोड़ दिया। तुम कहाँ जा रही हो? इसको परवेज के रूम तक तो छोड़ दो। खुद ही चली जाएगी अम्मा, बड़ा मैं छोड़ती हुई से अच्छी लगूंगी। अम्मा, अब्बा अपनी दवाई और दूध का गिलास मंगवा रहे हैं। तुम्हारे हाथ टूटे हुए, तुम अपने अब्बा को दवाई नहीं दे सकती हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही, आप खुद आकर दे दें। तुम लड़कियां भी ना बहुत ही हड़हरा। सुनो, तुम्हारे खालू को मुझे जाकर खुद ही दवाई देनी पड़ेगी, ये लड़कियां तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती। ये साथ ही कमरा है परवेज का, चली जाना। अब देखो ना, सास होके मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ के आऊं, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूं? हाथिया, तुम आ गई, बैठो ना। बैठो, खड़ी क्यों हुई? एक मिनट। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। वो मैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी ना। हदिया, आज मैं तुमसे अपने दिल की एक बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताई थी। हाथिया, मैं भी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। बहुत नफरत करता हूं मैं तुमसे, जानती हो क्यों? क्योंकि जब मैं तुमसे मोहब्बत करता था तब तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था, तब तुमने मेरे दिल को तोड़ा था, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। आज देखो तुम और मैं एक साथ इस सजे हुए कमरे में बैठे हैं।
कभी सोचा था तुमने कि तुम मेरी बीवी बन जाओगी? मेरी बीवी? लेकिन परवेज जो चाहता है वो हासिल करके रहता है। अब मेरी शादी हो गई है तुमसे, शौहर हो तुम मेरे, अब मैं चाह के भी कहीं नहीं जा सकती। ऐसे सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम पर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। पैसा? हाँ पैसा। अरे भाई, तुम्हें इंप्रेस करने के लिए इतने महंगे महंगे तोहफे खरीदे मैंने, तुम्हारी माँ को इंप्रेस करने के लिए पैसे लगे, और वो खंडर जैसा घर तुम्हारी दादी और तुम्हारे बाप को मनाने के लिए मुझे ना सिर्फ उसे खरीदना पड़ा बल्कि तुम्हारे नाम करना पड़ा। आप उसकी एक बात बताओ, बड़े लालची लोग हो तुम लोग, और तुम तो बहुत ही लालची। पैसा क्या आ गया मेरे पास? तुम्हारे घर वालों ने अचानक ही मुझे रिश्ता दे दिया तुम्हारा। ऐसा नहीं है परवेज, अब्बू और दादी को लगा कि तुम बदल गए हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए उन्होंने ऐसे सोचा उन्होंने कि मैं बदल गया। जानती हो कैसे सोचा? पैसा देखा था उन्होंने मेरे पास, आज मेरे पास पैसा आया तो सबने सोचा कि मैं बदल गया। एक बात बताओ, तुम कितनी बदली हो? बदलूंगी अपने आप को। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम अपने आप को इतना बदल सकती हो कि अपने माजी को भूल जाओ, आशिम के नाम को, उसकी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो? क्यों जानती हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूं। तुम मोहब्बत करो तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं। अपना माजी तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश जरूर कर सकती अगर तुम अगर मैं तुम पर यूं ही पैसा उड़ाता रहूं, है ना? नहीं ऐसा नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मिलेगा भी नहीं तुम्हें, इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही मेरी दौलत और ना ही मेरी मोहब्बत। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इसकी हकदार ही नहीं हो। तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि तुम्हें ये मिले। अब जाओ जाओ, जाकर ये कीमती जोड़ा उतार, और ये जेवर इन्हें बहुत एहतियात से उतार कर वापस डब्बे में रख देना, तुम इन्हें पहनने के काबिल नहीं, समझे? मेरे आने से पहले ये सब कुछ हो जाएगा, समझे? कुंडी लगाई थी मैंने ये बातें करने के लिए, बेवकूफ आदमी। Thank you.
एक्सक्यूज मी आप अपना फोन भूल गई थी। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। कमाल है, आपने मेरा फोन वापस कर दिया। आई मीन आज तक जितने भी फोन घुमाए कभी वापस नहीं मिले। चले फिर तो आप लकी हैं कि मैंने आपका फोन उठा लिया। या यू आर राइट, वरना मम्मी से तो डांट पड़ती, फिर से घुमा के आ गई। चले मैं चलता हूँ। अरे अपना नाम तो बताइए। आशिम अभी। किरण कुमार। आप रोजाना आते हैं लाइब्रेरी? जी। अच्छा, मैं भी अक्सर आती हूँ। चले फिर कल मुलाकात होगी। जी अब तो हम अजनबी नहीं है तो मिल सकते हैं। चल मैं चलती हूँ। अच्छी बेतकल्लुफ लड़की है। कुछ नहीं, लगता है प्लग में थोड़ा सा कचरा फंस गया। अच्छा मैं ड्रॉप कर देती हूँ, आ जाओ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। क्या हो गया, बीवी थोड़ी ना है जो मना के ठीक कर लोगे। आ जाओ मैं ड्रॉप कर दूंगी, मेरी ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। नहीं रहने दीजिए, ऐसी आपको तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी, आ जाओ भाई, ड्राइवर ठीक करा देगा। क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाओ मैं ड्रॉप कर देती हूँ। अब आ जाओ। कह रही हूँ आ जाओ, दैट्स माय ऑर्डर नाउ। अब बाइक का ड्राइवर ठीक करा लेगा, आ जाओ। चाबी इनको दे दो, ये ठीक करा दे। चले जी। जबरदस्ती मुझे लागे अच्छा नहीं किया। ये क्या तुम मुझे हर वक्त आप करके बात करते हो? देखिए अभी हमारे दिमाग इतनी बेतकल्लुफी नहीं है कि मैं को आपकी बजाय तुम कहूँ। तुम मेरे बारे में जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, एक दूसरे की फैमिली। किरण क्या हुआ मैडम, दिमाग खराब हो गया? किरण गाड़ी में उठाएं सर, इनको गाड़ी में उठाएं, ये साइड में हॉस्पिटल है, उन्हें वहां लेके चले। सर इनको घर ले जाना जरूरी है था, इनका डॉक्टर सर घर पे आ जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना हॉस्पिटल लेके चलो। आपको नहीं पता सर, इनको घर ले जाना जरूरी है, नहीं तो बड़ी बेगम साहब बहुत नाराज होंगी सर। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है? अगर नहीं ठीक है तो हॉस्पिटल चलते हैं।
मैं जीना नहीं चाहती मामी, थक गई हूँ लोगों की नजरों में अपने लिए हम देख देख, और अब उन लोगों में एक और फर्द का इजाफा हो गया। खुलकर बात करो बेटा, हाशिम की बात कर। इतने अरसे बाद मुझे ऐसा शख्स मिला था जिसे देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि उसे मैं अपना दोस्त बना सकूं, जिससे मैं बराबरी की सतह पर बात कर सकूं, जिसकी नजरों में मेरे लिए हमदर्दी या रहम ना, जो मुझे भी अपनी तरह सेहतमंद इंसान समझे, मगर अब हान बाबा को नौकरी से निकाल दो। बेटा, इन सारे मामले में खान बाबा का क्या कसूर? उन्हीं की वजह से तो ये सब हुआ। क्या जरूरत थी उन्हें हाशिम को मेरे साथ हॉस्पिटल ले जाने की? वो भी मुझसे दूर भागेगा, कभी मेरे पास नहीं आएगा। एक बार फिर अकेली हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, क्या हो गया तुम्हें? किरण बेबी, कोई हाशिम साहब आए हैं आपसे मिलने। ठीक से नाम पूछा? जी बेबी जी, उन्होंने अपना नाम हाशिम ही बताया। अच्छा, उन्हें उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ और चाय और कबाब भी बना लो, और खान बाबा को भेज के बेकरी से चीजें भी मंगवा लो। मैं आती हूँ। ठीक है बेबी जी। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत वीकनेस है, बीमारी के साथ साथ घर के सारे काम। क्या मतलब घर के सारे काम? मतलब सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। तो ये सब काम? ये सब तो दिखावा है। ये शान और शौकत देखकर ये मत समझेगा कि मैं बहुत मजे में हूँ। मैंने आपको बताया था ना मैं एक्टिंग करती हूँ। वो दरअसल मेरी मदर जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, स्टेप मदर है ना। ओके, तो क्या आपके वालिद वाकिफ हैं आपके इन सारे हालात से? वो होते तो इनकी मजाल थी मेरे साथ ऐसा करें, फिर इस दुनिया में कोई भी नहीं। आप ले ना, वो दरअसल मेरी कस्टडियन है, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं उन्हीं के अंडर रहूंगी। लाइब्रेरी भी मैं इसीलिए आती हूँ कि इस घर के इस घुटे हुए माहौल से थोड़ी देर के लिए निकल तो जाऊं। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। कौन है अंदर? बीबी जी, कोई हाशिम साहब आए हैं। बीबी तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। बीबी जी, हाशिम साहब कौन है? क्या मतलब है तुम्हारा? जा जाके काम करो अपना। बीबी वो साहब, मैंने कहा ना जाके अपना काम करो। जी बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी आप? घर का घुटा हुआ माहौल, काम का बोझ, स्टेप मदर। बैठो। मेरी इनसे मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। उस दिन इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी खैरियत ही दरियाफ्त कर लूं। और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, वो तो मैंने लाइब्रेरी से इनका एड्रेस निकाला और यहाँ इस तरह से चला आया।
I'm so sorry for that again. Oh my god. ये क्या मजाक है? मैं अंबर कमाल हूं, किरण की स्टेप मदर. मेरा मतलब है रियल मदर. दोस्तों से ऐसे मजाक करते हैं बेटा? मजाक? कैसा मजाक? वो आप उस दिन कह रहे थे ना कि मेरा लहजा बुझा बुझा सा लग रहा है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा मजाक ही कर लूं. आप तो इतनी जल्दी किसी से भी घुलती मिलती नहीं, फिर आज हाशिम का इतना डिटेल्ड इंटरव्यू कैसे ले लिया? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आज ऐसा क्या हुआ है जो आपका रवैया तब्दील हो गया. तुम्हारी आंखों ने मेरा रवैया तब्दील किया. मेरी आंखों ने? तुम्हारी आंखों में ना एक खास किस्म की ना चमक थी. Just a friend. कभी कभी आप अजीब सी बातें करते हैं. वैसे वो लड़का अच्छा लगा है मुझे. हैंडसम है, खूबसूरत है, उसके बारे में सोचा जा सकता है. मम्मी आज आप पहली बार मिली हैं उससे, ना उसके बारे में जानती है ना उसके घर वालों के बारे में, और मेरी शादी का सोच लिया. क्या पता शादी शुदा हो, मंगनी हो चुकी हो, या फिर रिलेशन में हो. और अगर ऐसा कुछ ना हुआ वो तो क्या? अच्छा, इन सब बातों के बावजूद अगर कुछ ना हो तो उसके बारे में सोचा जा सकता है. बड़ा अच्छा है. मुझे नहीं सोचना. इनफैक्ट मुझे शादी नहीं करनी, ना हाशिम से ना किसी और से. देखो किरण, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, हाशिम से नहीं तो किसी और से. तो बेहतर है बेटा तुम उसके बारे में सोचो. मम्मी मुझे शादी नहीं करनी, आप समझ क्यों नहीं रही? बीमारी के साथ मैं किसी की भी जिंदगी में दाखिल नहीं होना चाहती. अच्छा एक बार अपने दिल से मशवरा ले लो, फिर बात करेंगे. क्या हुआ? कुछ नहीं. कुछ तो है. मम्मी कहा ना कुछ नहीं, और आज आप ऑफिस से जल्दी आ गई. ऑफिस से घर फोन किया तो रशीदा ने बताया कि तुम जल्दी आ गई हो, तो सोचा अपनी बेटी को खुद जाकर पूछूं क्या बात है. मम्मी आप भी ना को डिटेक्टिव होना चाहिए. माओ को होना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, और तुम तो मेरी वैसी इकलौती बेटी हो. अजीब सी उदासी सी हो रही है. क्यों उदास हो बेटा? वो 3-4 रोज से हाशिम नहीं आ रहा. तो बेटा तुमने उसकी परेशानी शेयर करनी थी ना. किया था, बस सरसरी से बात हुई और बस मुझे लग रहा है वो परेशान है. तो ठीक है, तुम उसके घर चली जाओ. अजीब सा लगेगा. क्यों अजीब सा लगेगा? मेरा मतलब है हो सकता है हाशिम को अच्छा ना लगे. ये भी तो हो सकता है उसे किसी फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत हो. मम्मी हर इंसान की परेशानी की वजह सिर्फ पैसा नहीं होता. इसीलिए तो तुम्हें भेज रही हूँ, जाके मालूम करो आखिर बात क्या है. अच्छी तरह जानते हैं आप मुझे वहां क्यों भेज रही हैं. अच्छा यहाँ मेरे पास आओ. परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा. कुछ खाया था? क्यों? बाद में. पागल. कब तक ऐसे घूरते रहोगे? वो मैं सोचा था कि
आप यहाँ पे? तुम मेरे घर आ सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हैं आप। देखने में तो ठीक नजर आ रहे हो, बुखार, डेंगू, मलेरिया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो फिर इतने दिनों से लाइब्रेरी क्यों नहीं आए? ओह, एक्चुअली मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए नहीं आ रहा था। कौन है हाशिम? जी अभी आ रहा हूँ। मुझे नहीं मिलवाओगे आंटी से? हाशिम ने आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। नहीं तो? मैं दोस्त हूँ हाशिम की। कितनी बुरी बात है हाशिम, तुमने आंटी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे मौका ही नहीं मिला। वाह भाई, तुम तो बड़े सुघड़ हो, बड़ी अच्छी चाय बनाई है। और सुनाए आंटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाशिम आपका ठीक से ख्याल रखता है कि नहीं? अब तो शुक्र है बेटा, तबीयत बहुत बेहतर है। हाशिम ने मेरा ख्याल भी बहुत रखा है, लेकिन अब मैं इससे बहुत नाराज हूँ। इसने इतनी प्यारी दोस्त को मुझे अभी तक मिलवाया नहीं, क्यों? छोड़े ना आंटी, खुद जो आ गई अपना तारुफ करवाने। चाय पियो। कितनी प्यारी और मिलनसार बच्ची थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं उससे पहली बार मिली हूँ। उसके आने से घर में कितनी रौनक हो गई ना बेटा। जी ऐसी है। मैं उससे कोई खासा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उससे भी ऐसी ही बातें करती है जैसे बरसों से जानता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तुम्हें कैसी लगी? अच्छी है। आपकी दवाई का टाइम हो गया? अरे भुद्दू, मैं इसलिए थोड़ी पूछ रही हूँ, मेरा मतलब है कि अगर इससे तुम्हारी शादी हो जाए तो। मम्मी, एक तो पहली मुलाकात में आपने मेरी उसके साथ शादी करवा दी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और आप ये इस बारे में सोचना भी बंद कर दें। बेटा अच्छी है, प्यारी है, मिलनसार है, और ये कि उसका ताल्लुक बेहद मॉडर्न फैमिली से है। पहली बात तो ये कि हमारा उनके साथ कोई जोड़ नहीं है, और ये जो मेरी और किरण की दोस्ती है, सिर्फ किरण की फितरत की वजह से है। वो फितरतन ऐसी है, सबके साथ हंस के बात करती है, हद तक अपने ड्राइवर के साथ। सो प्लीज आप ये रवायती माओ की तरह किसी भी लड़की को मेरी दोस्त देख के उसके साथ मेरी शादी के ख्वाब मत देखिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और अम्मी, ये लड़कों के साथ दोस्तियां, ये सब उनके सर्कल में बहुत आम सी बात है। अम्मी, मैंने कौन सा उससे कोई शादी करनी? तुमने तो मेरा ख्वाब पूरा होने से पहले ही तोड़ दिया। अम्मी, ख्वाब हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक देखना चाहिए। नहीं, अगर ख्वाब इंसान हैसियत के मुताबिक देखने लग जाए तो फिर हकीकत में और ख्वाब में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया ना। मुझे लगता है कि आप वाकई आपकी दवाई का टाइम हो गया। किरण, मैं यूं बाहर आना अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम इस कॉफी के बिल की बात कर रहे हो? इस बिल की भी और अपने वक्त की भी। कॉफी का बिल तो मैं दे दूंगी, बाकी वक्त उस पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या मिलेगा तुम्हें मेरे वक्त से? ना इस वक्त में अच्छी जॉब है, ना पैसा है, और ना ही हैसियत। इन सब में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे वक्त में मैं हूं तो मैं समझूंगी मुझे सब कुछ मिल गया। किरण, मैं क्या
मैंने कुछ गलत मांग लिया। आई मीन क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई हाशिम कहाँ खो गए? क्यों ना मैं तुमसे झूठी बोलूं, मेरी जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम आदिया थी। क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? हाँ, परमानेंट ब्रेकअप। ये परमानेंट ब्रेकअप क्या होता है? सॉरी बोलो और पैचअप कर लो। शादी के बाद जब तलाक हो जाती है ना, इसे परमानेंट ब्रेकअप कहते हैं। हाँ, तलाक देने के बाद किसी भी सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तलाक? ओह, तो रुखसती से पहले ही तुमने तलाक दे दी? वेरी सैड। हाँ, इसीलिए तुम हमेशा दुखी और उदास नजर आते। बजाय तो तुम बड़े जॉली नेचर के लगते हो, मगर जब तुम बात करते हो तो उदासी तुम्हारे पूरे वजूद को ढांप लेती है। क्या आप बहुत चाहते थे अपनी कजन को? बहुत, बेहद। उससे ताल्लुक टूटने के बाद मुझे इस दुनिया में किसी भी चीज की चाह नहीं रही, सिर्फ मेरी अम्मी है जिनके लिए मुझे हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जिनके लिए मुझे इस जिंदगी को जीना पड़ता है। सोचता हूं कि अगर मेरी अम्मी भी ना होती तो। अच्छा ना, अब ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं, ब्रेकअप तो होते रहते हैं, शाम को आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कुछ ब्रेकअप ऐसे होते हैं किरण जो आपको अंदर से ब्रेक कर देते हैं। अगर कुछ बचता है तो सिर्फ गम और तकलीफ। हर इंसान को अपना गम बड़ा लगता है। दुनिया में निकल के देखो तो हर इंसान दुख और तकलीफ में पाया जाता है। मुझे ही देख लो, जब मैं 12 साल की थी तो डैड ने मुझे और मम्मी को छोड़ दिया था, कनाडा चले गए और वहां जाके दूसरी शादी कर ली। उन्हें मेरी बीमारी से कोफ्त होती थी। जब मुझे अटैक होता था तो मुझे कमरे में तड़पता हुआ छोड़कर खुद बाहर चले जाते थे। कैसे कर रही है वो मुझसे ऐसी बातें? क्यों दिलचस्पी ले रही है मुझ में? इतनी अमीर लड़की को वो जैसे मिडिल क्लास लड़के में क्या दिलचस्पी हो सकती है? अगर वाकई ऐसा हो जाए जैसा अम्मी सोच रही है तो क्या बुरा है? इतना पढ़कर CSS का इम्तिहान देकर भी अगर मैं वो सब ना हासिल कर सका तो क्या फायदा? किरण के जरिए मैं सालों का सफर दिनों में तय कर लूंगा। क्या हो गया है मुझे? इस कदर घटिया और छोटी सोच? प्रवेश के मुकाबले पर आने के लिए मैं प्रवेश से भी गिरी हुई हरकत का सोच रहा था। हाशिम, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं बात कहां से शुरू करूं। तो मुझे खुदगर्ज खुद परस समझोगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक मजबूर माँ हूं, इसके सवाय कुछ भी नहीं। कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप अपने जो कुछ भी कहना है खुल के कह दीजिए। किरण ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, तुम्हारी शादी, तुम्हारे क्या एम्बिशंस हैं, तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, CSS करना चाहते हो और बहुत कुछ।
सीएसएस तो करना चाहता हूँ, लेकिन देखें जो किस्मत में लिखा हो। हाँ बात तो किस्मत की है। अच्छा ये बताओ तुम्हें किरण कैसी लगती है? जी वो मुझे, हाँ शर्माओ नहीं, मुझे साफ साफ बताओ तुम्हें किरण कैसी लगती है? ठीक किरण अच्छी है, फिल्म सार है, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद आई थी, इनफैक्ट वो वाकई में अच्छी है। अगर तुम्हारी किस्मत में किरण का साथ हो तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? जी हाँ, तुम यही समझो कि मैं तुम्हारा रिश्ता किरण के लिए मांग रही हूँ, क्या तुम राजी हो जाओगे? पर ऐसे कैसे हो सकता है, आपके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। देखो हाशिम, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारी शादी, तुम्हारा बैकग्राउंड, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम किरण से शादी कर लो, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, मुझे सिर्फ अपनी बेटी के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। कहो आंटी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझ में ऐसी क्या खास बात है। तुम खास हो बेटा, तभी तो तुम किरण को पसंद हो। हाँ लेकिन आप किरण को समझा सकती हैं कि मैं तुम्हें क्यों ना समझाऊं? क्यों तुम्हें किरण पसंद नहीं है क्या? पसंद है, इनफैक्ट बहुत पसंद है मुझे, लेकिन मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं, शायद मैं खुद को उसके काबिल ही नहीं समझता। देखो हाशिम, मैंने बात शुरू करने से पहले ही तुमसे कहा था कि मैं एक बहुत खुदगर्ज माँ हूँ, तुम चाहे मुझे कुछ भी समझो, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम किरण से शादी कर लो। जानते हो हाशिम, किरण की बीमारी की वजह से कमाल ने मुझे छोड़ दिया और रिश्तेदारों ने भी हमसे ताल्लुक खत्म कर लिया, कहीं हम उनकी कोई मदद ना मांगे, और मैंने खुद को बिजनेस में बिजी कर लिया, और किरण ने अपने सारा दर्द भुलाकर अपनी स्टडी में बिजी हो गई। लेकिन फिर भी मैं माँ हूं ना, महसूस कर सकती हूँ उसके दर्द को, कहीं ना कहीं मुझे महसूस जरूर होता है। जानते हो आशिम, जब से वो तुमसे मिली है ना, उसके दर्द की शिद्दत में कमी आई है। किरण बहुत बहादुर है, उसने बहुत बहादुरी से इन सब चीजों का मुकाबला किया है। क्या बात है हाशिम, तुम इतने खामोश क्यों हो? लगता है मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया है। बस मैं तो इतना चाहती हूं कि मेरी किरण की मुस्कुराहट को तुम मुकम्मल कर दो, और तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी महरूमी है मैं सबको दूर कर दूंगी। प्रॉमिस। मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता। क्या तुम किरण से? आंटी मैं किरण से शादी किसी ऑफर की वजह से नहीं करूंगा, बल्कि इंसानियत के नाते से करूंगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। वो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज किरण को इस बात का पता ना चले कि आपने मुझे इस तरह अप्रोच किया और ये सारी बातें की। मैं चाहता हूं कि मैं किरण को खुद प्रपोज करूं। थैंक यू। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए। अब बस तुम जल्दी से उठ जाओ, हम कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अरे वाह, आज मेरी लाइंस तुम कैसे बोल रहे हो?
अब तुम्हारी सोबत में रहूंगा, कुछ तो असर होगा मुझ पर। और ये फूल किस खुशी में? तुझे पता चला था कि तुम बीमार हो, तुम्हारे घर तो नहीं आ सका, तो सोचा तुम लाइब्रेरी तो आई होगी तो यहीं दे दूंगा। अब बातें करती रहोगी कि उठोगी भी? कहाँ जा रहे हैं? आज मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह पे लेके जाऊंगा। और हाँ, आज तुम मेरी मोटर बाइक पे जा रही हो, बैठ जाओगी ना? बाइक पे कभी बैठी तो नहीं, देखते हैं। चलो। मम्मी, मम्मी, मम्मी! अरे 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 अरे, क्या हो गया? मुझे गिराओगी तुम? आपको पता है हाशिम ने मुझे प्रपोज किया है। सच? ये तो बहुत अच्छा हो गया। आज उसे क्या हुआ? मैं खुद हैरान हो गई, कहने लगा अकेले चलते चलते थक गया हूँ, तुम्हारा साथ चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज कमाल का फिर फोन आया था, उस दिन तो मैंने बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि भी मैं किरण का रिश्ता करवा रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं सच को साबित कैसे करूंगी। अल्लाह ने कमाल के सामने मेरी इज्जत रख ली। आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? उसे मेरी बीमारी से कोई मसला नहीं है। क्या तुमने उसे बता दिया? क्या मतलब? नहीं बताना था। नहीं, मेरा मतलब था अगर शादी के बाद। मम्मी, सच छुपाकर रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी मैं, ये आप जानती हैं। मैं जानती हूँ, मेरी बेटी बहुत सच्ची है। अच्छा मुझे बताओ, वो अपनी अम्मी को कब लेकर आएगा? बहुत जल्द। हाँ अम्मी, वो किरण थी ना? हाँ हाँ, वो हसमुख से मिलनसार बच्ची, क्या हुआ उसे? नहीं उसे कुछ नहीं हुआ। किरण का नाम लिया और फिर खामोश। अम्मी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है वाकई, मगर तुम तो कह रहे थे कि वो बहुत अमीर लोग हैं और वो कॉल तुम्हारे, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो फिर? अम्मी उसे आपके बेटे से मोहब्बत हो गई है। और बेटे को? जाहिरी सी बात है मुझे भी अच्छी लगती है, तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। मगर बेटा, इतने अमीर लोग कैसे रिश्ता जोड़ेंगे हमारे साथ? अम्मी ये उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है। सच कहूँ आशिम, रिश्ता अपने जैसे लोगों में करना चाहिए। चल पहले तो जब आप किरण से मिली थी तो मशवरा दे दी थी कि इससे शादी कर लो, अब आप ये कह रही हैं कि शादी अपने जैसों में करनी चाहिए। अब बेटे के साथ लड़की देखकर माँ उससे यही मशवरा दे सकती है कि बेटा शादी कर लो, ये तो नहीं कह सकती ना कि अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। लेकिन अभी मैं अब उससे वाकई में शादी करना चाहता हूँ। आप बस मुझे ये बताइए कि आप कब चल रही हैं मेरे साथ रिश्ता लेने के लिए। कहीं वो तुम्हें घर दामाद या? अम्मी आपको मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं घर दामाद बनूंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती, बस यूं ही एक ख्याल आया था दिल में। इस किस्म की मनफी सोचों को अपने दिमाग में मत आने दीजिए। आप बस मुझे ये बताइए कि हम कब चल रहे हैं वहां पे रिश्ता लेने के लिए। इतवार को चले? इतवार को? इतवार में तो अभी दो दिन पड़े। तो फिर अभी चले? नहीं अभी नहीं, कल चलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खुशी हो रही है आप हमारे घर तशरीफ लाएं। अरे हाशिम, तुम्हारी अम्मा तो बहुत यंग है, बिल्कुल तुम्हारी बड़ी बहन लग रही है। ये तो आपकी नजरों का कमाल है, वरना ऐसी कोई बात। आप प्लीज बैठिए ना। किरण बीबी को बुला के लाओ, उनको बोलो कि हाशिम आए और उनकी वालदा आई है। जी मैडम। माशाल्लाह आपका घर बहुत खूबसूरत है।
ये घर कहाँ है? ये तो सिर्फ एक मकान है जहां मैं और मेरी बेटी सिर्फ रात गुजारते हैं। घर तो इंसानों से होता है। आप बहुत मसरूफ रहती हैं। मैं सिंगल मदर हूं और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। रशीदा चाय ले आओ। मिसेस हबीब, किरण की मैंने हर ख्वाहिश पूरी की है। इकलौती औलाद है, किसी बात को रोकना आसान नहीं है। आपको तो अंदाजा होगा ना इस बात का। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुई हूँ। छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन आपकी बेटी किरण मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मिसेस हबीब ऐसा मत कहिए, इंसान तो सब बराबर है। ये दौलत ही है जो इंसान को छोटा बड़ा बनाती है। ये दौलत तो बड़ी बेवफा चीज है, आज मेरे पास और कल किसी और के पास। असल बात तो खलूस की है जो अब दुनिया में नापैद हो गया। मुझे हाशिम का खलूस और एतमाद बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमें इनकी खुशी में ही खुश होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मिसेस कमाल, हमारा घर तो बहुत छोटा सा है। नहीं आंटी, मैंने देखा है आपका घर और मुझे बहुत अच्छा लगा था। बेटा मिठाई का डब्बा तो खोलो, मैं इनका मुंह मीठा करवाऊं अपनी समधन का, ताकि बात पक्की हो जाए। मैं फिर बात को पक्की समझूं। जी बिल्कुल, आप बात पक्की समझिए। अल्लाह बस इसमें रहमत और बरकत नाजिल करे। ठीक है, आमीन। तो फिर मंगनी की तारीख हम कोई रख लेते हैं और शादी की तारीख हाशिम के सीएसएस करने के बाद। मेरा ख्याल है आप मंगनी छोड़ दें, क्यों ना हम शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। और जहाँ तक सीएसएस का ताल्लुक है, वो तो शादी के बाद भी हो जाएगा, क्यों हाशिम? लो किरण से पूछ लीजिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप लीजिए ना। आप लीजिए। मैं आपका मुंह मीठा करा दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मीठा आप खाइए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये सजीला है मेरी बेटी, सजीला नसीर। अभी अभी बीए किया है इसने माशाल्लाह से। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। अभी जो चाय लाई थी वो कौन थी? वो मेरी बहू है। अच्छा, शादी आपने अपनों में की है? जी जी। खाना भी आपकी बहू ने बनाया था? सारी बच्चियां मिलके काम करती हैं, सजीला बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, हाँ अच्छी बात है, लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछूं, आपकी बहू की कोई बहन है? जी। असल में आपकी बहू मुझे बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी तरबियत है और मैं भी इसी तरह की लड़की चाह रही थी। नहीं, वो इकलौती है। मुझे आपकी बहू बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह उसने इतने अच्छे से पूरे घर को संभाला हुआ है और मुझे उम्मीद है कि सजीला भी आके मेरे घर को चार चांद लगा देगी। जी इंशाल्लाह, आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगी। सजीला ने तो खाने पकाने के बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं, आपके घर को बहुत अच्छा रखेगी इंशाल्लाह। असल में वो मेरी भांजी है, बचपन से मेरे पास रही है,
उसकी तरबियत मैंने ही की है, इसलिए वो इतनी अच्छी है। तो ये तो मेरी बेटी है। बिल्कुल, बचपन से बहुत बहुत गहरी दोस्ती है। आप लोग कब से मुकीम हैं यहाँ पर? यही कोई 15 साल तो गुजर चुके हैं जहाँ तक मुझे याद है। हम लोग वक्तन फवक्तन घर की रेनोवेशन कराते रहते हैं, इसलिए नया नया लगता है। अच्छा, तो आप लोग तो खासे पुराने हैं यहाँ पर। भाई आजकल तो एक अजीब सा ट्रेंड हो गया है, जिसके पास थोड़े से पैसे आए वो यहाँ डिफेंस में आकर बस गया, गलत सलत तरीकों से नाजायज जराए से पैसे कमाया और डिफेंस में आकर रह गए। बहुत बहुत गलत बात, वेरी बैड। आप क्या करते हैं बेटा? मैं मेरे तो बहुत से कारोबार हैं, मैं क्या बताऊं आपको। आप बताइए ना, अदील क्या कारोबार करते हैं या कोई नौकरी करते हैं? अदील माशाल्लाह मेरा कारोबार संभालता है और बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेसमैन है। बेटा आपका किस चीज का बिजनेस है? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है जी। दुबई में दफ्तर है, वहां पर मेरा पार्टनर जो है वो मेरे काम को देखता है, मैं यहाँ से उसको ओवरलुक करता हूँ। ओह आई सी, तो इसका मतलब तो ये है कि कराची में भी आपका ऑफिस होगा। लाहौर में भी है जी, इस्लामाबाद में भी है, और सोच रहा हूँ मैं कि पेशावर वगैरह में भी एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया जाए। भाई कारोबार की तो ये खसूसियत है कि इसमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। हमारा तो जद्दी पुश्ती नस्लों से कारोबार पर ही इंसार है। अब माशाल्लाह मेरे परदादा ने जो फर्नीचर का कारोबार शुरू किया था, आज माशाल्लाह मेरा बेटा अदील उसको संभाल रहा है। बेटा आप भी अपने वालिद के कारोबार को आगे बढ़ा रहे? वालिद साहब का तो कारोबार नहीं कह सकते, क्योंकि आपके तो परदादा का कारोबार है, हमारे लक्कड़ दादा का कारोबार है ये, जो मेरे तक पहुंचा है, और अब इंशाल्लाह मेरा बेटा इसी कारोबार को आगे चलाएगा। चलो बेटा तुम ये शगुन के कंगन ले लो, अब आप लोगों को भी हमारे घर आना होगा। बहुत मुबारक हो आप लोगों को भी। अब इंशाल्लाह अदील की बहन दुबई से अगले माह आ रही है, तो फिर हम शादी की तारीख तय करते हैं। क्यों जावेद साहब? हाँ हाँ बिल्कुल नसीर साहब, अब आपकी बेटी हमारी बेटी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। कैसी लगी? बहुत अच्छी। इतनी अच्छी तो नहीं है जितनी तुम डिजर्व करती हो, लेकिन जितनी मेरी हैसियत थी उसमें यही आई। लेकिन किरण, इसमें मेरा पूरा खलूस शामिल है। मुझे तुम्हारे खलूस का अंदाजा है, तुम्हें बताने की जरूरत है। किरण तुम ठीक तो हो ना? अब खिड़की खोल दोगे हाशिम? दरअसल कपड़े बहुत हैवी और गर्म है, ऊपर से ज्वेलरी भी। हाँ मसला गर्मी का तो है और इसी भी नहीं है, पता नहीं मैं कैसे लगवाना भूल गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसे तैसे भी होगा मैं इसी लगवा दूंगा। मैं नहीं, हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम मसलों को मिलकर हल करें। किरण,
किरण उठो। कैसी तबीयत है अब किरण की? बेहतर है। सॉरी अंदर, वो मैंने उसकी अम्मी को कॉल की थी, दवाई उसके पर्स में ही थी, मैंने खिला दी। बैठो। की बीमारी के बारे में जानते थे पहले से? जी। इसलिए तुमने? नहीं अम्मी, इसलिए नहीं। मुझे वाकई किरण का ख्याल है, शायद शायद मैं उससे मोहब्बत करने लगा। हाशिम, तुम उम्र के जिस हिस्से में हो ना, उसमें किसी बीमार से हमदर्दी तो हो सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती। अभी आप गलत समझ रही हैं। पहले गलत समझती रही, अब तो सही समझी हूं। तुम्हें भी, किरण को भी और मिसेस कमाल को भी, कितना अच्छा सौदा किया है तुम सबने मिलकर। ऐसा जाल बना है नाफे का कि कोई नहीं बच सकता इसमें से। नुकसान में तो मैं रही, मेरा एतबार, मेरा मान, मेरा भरोसा, सब कुछ खसारे में चला गया। मैं आपको बताना चाहता था, सिर्फ खौफ से नहीं बताया कि कोई आप इनकार ना करते। तुम शायद सब कुछ बता देते, अगर तुम वाकई सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ऐसा कर रहे हो, तो मैं भी इंसानी हमदर्दी की मिसाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होती। अगर ऐसा कुछ नहीं था हाशिम, तुम जानते हो एक माँ के लिए बहू लाना क्या मायने रखती है। वो सिर्फ एक अजनबी लड़की को अपने बेटे की मोहब्बत में शराकत दार नहीं बनाती, बल्कि एक नस्ल की जिम्मेदारी सौंपती है, अपने खानदान का अक्स ढूंढ कर लाती है। कि तुमने तो सब कुछ खत्म कर दिया, मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। कौन सी नस्ल, कौन सा खानदान एक लड़की के मर्ज में मुब्तला लड़की किसी खानदान की बुनियाद क्या डालेगी? आप ऐसे कह रही हैं, किरण ठीक हो जाएगी? काश वो ठीक हो सकती, लेकिन तुम्हारे अंदर जो दौलत की लालच का हवस मर्ज बनकर पैदा हो गया, उसे कौन ठीक करेगा? किरण से ज्यादा मुझे अब तुम्हारी बीमारी की फिक्र है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ। अब तुम एक काम करो। क्या काम? तुम किरण को लेकर उसके घर शिफ्ट हो जाओ, इससे पहले कि इस खानदान में किरण की बीमारी का सबको इल्म हो और तुम्हारी इस सौदेबाजी के बारे में पता चले। मम्मी, आप यहाँ पर अकेली? मैं अकेली रह लूंगी,
मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ आपके साथ रहूंगा। मगर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा किया तुम लोग नए घर शिफ्ट हो गए हो। गाड़ी कैसी लगी? मामी आपने बहुत तकल्लुफ कर दिया। ओफो, शादी के बाद मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई कि गिफ्ट दिया हुआ तकल्लुफ लग रहा है। किरण सही कह रही है आंटी, अब आप मुझे भी किरण के लिए कुछ करने दीजिए। तुमने मेरी बेटी को खुशी दी है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मेरे लिए यही बहुत है। और वैसे भी ये गाड़ी किरण के बाबा ने गिफ्ट की है। तो मुझे ये बताओ तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? आंटी मैं जॉब कर रहा हूँ और। देखो बेटा, इतना बड़ा बिजनेस संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बेटा तो कोई है नहीं, सोचा था दामाद को ही बेटा बनाऊंगी। मैं हूँ आपका बेटा, मगर ये सब कुछ मेरे लिए। बेटा कह रही हूँ ना, तो बहस किस बात की? क्यों किरण? मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं हाशिम, वैसे भी तुम जॉब तो कर रहे हो, वो जॉब छोड़ के मम्मी के ऑफिस में कर लो, सिंपल। मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ कह सकते हो, क्योंकि ना सुनने की हम दोनों को आदत नहीं। ये शीरा कहाँ चली गई? मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं मम्मी, डिनर हम बाहर करेंगे, रहने दे। बल्कि आप ही चले ना हमारे साथ। अरे नहीं बेटा, मुझे तो ऑफिस का इतना काम करना है, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। तुम क्यों सोई पड़ी हो? उठो मेरे साथ चलना है। कहाँ? यार वो अदील नहीं है, उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है, शादी की जूते कपड़े वगैरह। जिस तरह मेरा जहेज उठा के दे दिया उसी तरह अपने जूते कपड़े दे दो, खर्चा करने की क्या जरूरत? ओए बात सुनो मेरी, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तो तुम्हारा सामान तो वैसे भी फेंकना ही पड़ना था। फेंकने से बेहतर है कि मैं उसको सजीला को दे दूं। जब तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो क्यों साथ में ले जाना है मुझे? ये मैं किसी और तरीके से उठाऊं। नहीं जाना मुझे, छोड़ो। शौक नहीं है तुम्हें अपने साथ ले जाने। अम्मा कह रही है कि बीवी साथ जाए ना तो खानदान पर शराफत की मोहर लग जाती है। मुझे नहीं जाना। देखो अगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई मोहब्बत होती ना तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा कर लेके जाता, जिस तरह का रिश्ता है ना मेरा तुम्हारा, तुम्हारी खुद से पकड़ के ले जाना पड़ेगा। आप चाहती हो कैसे करूं? छोड़ो, मैं मुंह धोकर आ रहा हूं, तब तक तैयार हो। अजीब सर दर्द है ये आदमी। तुम याद कर रही थी वो आखिर आएगी। परवेश चलो यहाँ से। कहाँ जाना है? इतनी मन्नतें मुरादें मांग के तुमने उसे यहाँ बुलाया? मैंने यहाँ किसी को नहीं बुलाया। चलो चलो बैठ जाओ आराम से, तमाशा लगाने की जरूरत नहीं। जो भी तमाशा लगेगा ना मैं लगाऊं। कैसा है यार? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक। हाशिम बड़ा ही बेमुरब्बत इंसान है, चुप चुप के शादी भी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। चलो मुझे ना बुलाते, कम से कम भाभी को तो बुला लेते यार। बुलाया था मैंने लेकिन तुम लोग खुद नहीं आए।
आप हाशिम? मैं कजन हूँ इसका। जिगरी कजन नहीं होता, बचपन का कजन। वो वही यादें हम दोनों की एक दूसरे के साथ, पता ना यार। और वो मेरी बीवी बैठी। किरण चले? किधर जा रहा है यार? अभी तो मिले आप नहीं जा सकते। देखिए आज आपको पहली बार मिला हूँ मैं, आप हमारे साथ खाना खा के चले। आप कहें इसको कि चले। चल यार ना, आ जा। ये नहीं मानेगा, बहुत शाये है ये। चला चल, अच्छा चल। तू भी ना, बहुत शाये है शुरू से। आए आप लोग, बड़ा अच्छा खाना ऑर्डर किया मैंने। आए आओ। क्या था इतने दिन से? मैं बहुत हंसाता हूँ आदिया को, सारा दिन हंसाता रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ हमेशा खुश रहे। मुझे ये बिल्कुल भी संजीदा पसंद नहीं आती है। क्यों आदिया? जी सारा दिन हंसाते हैं मुझे, बिल्कुल भी मुझे संजीदा नहीं देख सकते। आपको भी हाशिम बहुत खुश रखता होगा? जी खुश तो बहुत रखता है, मगर थोड़ा सा संजीदा है। क्या हाशिम संजीदा है? हाशिम माय बॉय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, शादी के बाद जाती करो तुम इनके साथ, बता रहा हूँ तुम्हें। अब आप लोग आए ना किसी दिन हमारे घर, मुझे बहुत खुशी होगी। अरे जरूर, लेकिन उससे पहले आपको हमारे घर आना होगा। बल्कि मेरी बहन की शादी है सजीला की, आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। कार्ड है ना तुम्हारे पास? दो इन्हें, कार्ड निकालो। जरूर आए। चलो किरण, थैंक्स फॉर द डिनर। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा हुआ आपने बुला लिया, वरना मैं तो घर पे बोर हो रही थी। और मैं किरण से कह रहा था कि बोर होने की बजाय मेरे साथ ऑफिस आया करो। मैं तो इसको कह कह के थक गई, इतनी सुस्त लड़की है। मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा कि ऑफिस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मगर तुम कभी नहीं आई। आप जानती हैं मेरी सुस्ती की वजह, एक बीमार बंदा ऑफिस जाके क्या करेगा। किरण तुम कोई बीमार नहीं हो, अगर इसी तरह तुम बीमार बीमार करती रही तो तुम क्या, हम भी तुम्हारे साथ बीमार हो जाएंगे, समझी तुम? तुम्हारे कहने से क्या होगा हाशिम? किरण अपनों का हौसला, उनकी हिम्मत बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर देती है, ये होगा मेरे कहने से। तुम्हारी बातें सुनकर एहसास हो रहा है कि भाई मैंने किरण के लिए बहुत अच्छा फैसला किया है तुम्हारा इंतखाब करके। चलो तुम्हारे तो नंबर बढ़ गए मम्मी के सामने। उसके नंबर तो हमेशा से थे। अरे वो मुझे याद आया, वो जावेद साहब है ना? कौन मम्मी? अरे वही तुम्हारे बाबा के दोस्त। ओ जावेद अंकल। हाँ, जिनके बेटे को तुम स्कूल में मोटू मोटू कह के चिढ़ा दी थी। जी उसकी शादी हो रही है, उन्होंने कार्ड भिजवाया तुम्हारे लिए भी, कहते किरण से कहिएगा वो जरूर आए। मेरे ख्याल में तुम और हाशिम चले जाना। हाँ मगर आप नहीं जाएंगी? नहीं बेटा, मैं उन दोनों में शायद मुल्क से बाहर होंगी। तुम दोनों जाना जरूर, क्योंकि वो बिजनेस सर्कल में उनका बहुत बड़ा नाम है। जी आंटी हम जरूर जाएंगे। और बताओ क्या हो रहा है आजकल, खाने वाने बना रही हो कि नहीं बना रही हो अपने मियाँ के लिए? बस कुछ नहीं, खाना बनाना सीख रही हूँ। ये तो क्या हुआ? अजीब इत्तेफाक, जिस शादी पे मैं आना ही नहीं चाह रहा था उसी शादी पे आ गया। क्या मतलब? अरे किरण बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अरे भाई मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों ने मेरा मान रख लिया। कैसे नहीं आती अंकल, आपने मुझे याद रखा, इतने प्यार से बुलाया। मामी माजरत कर रही थी, उन्हें जरूरी काम से जाना पड़ गया। किरण बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अदील की शादी की। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अंबर बता रही थी तुम्हारी भी शादी हो गई है।
भाई उन दिनों हम लोग मुल्क से बाहर थे, वरना तुम्हारा फंक्शन कभी मिस नहीं करते। जी, मीट माय हस्बैंड हाशिम। हाशिम, हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड। वेरी हैंडसम हस्बैंड। थैंक यू। ये परवेज कौन है? मेरा बेटा है, यहीं पर है, कोई मसला है? उसे बुलवाइए। किस लिए बताइए तो सही। उस पर हीरोइन की स्मगलिंग का इल्जाम है, उसके बंदे को हमने पकड़ लिया। एक मिनट, क्या हो गया? आप क्यों आ गए यहाँ पर? क्या हुआ? आपको गलतफहमी हुई है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, किस कोई सबूत है आपके पास? किस बुनियाद पर आप लोग गिरफ्तार करने आए मुझे? सारे सबूत हैं हमारे पास तुम्हारे खिलाफ। शाकिर नामी जिस बंदे को 21 तारीख को तुमने माल दे के भेजा था, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया और वो इस वक्त लॉकअप में है। तुमने कब और कहाँ कहाँ माल भेजा है उसने हमें सब बता दिया है। गिरफ्तार कर लो सर। खुदा के वास्ते इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं करें। इसकी बहन की शादी है, हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी। बीबी, ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। ले चलो। एक मिनट। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, गलत फहमी है, बताओ ना। मुझे पता है, मैं सब क्लियर करा गया। तुम आप शादी का इंतजाम बस संभाल लेना सर। गलत फहमी, मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरा नेक बच्चा। सर साहब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं तो आपको बहुत खानदानी और शरीफ समझ रहा था, अगर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। किसी ने साजिश की है जावेद साहब, परवेज को फंसाया गया है। उसने मुझे खुद बताया है कि दुबई में कुछ लोग उसकी कामयाबी से हाइप हैं। प्लीज समझिए इस बात को। हम कुछ नहीं जानते, आप लोगों ने तो हमारी इज्जत हाथ में मिला दी ना। कसम खुदा का, बारात के दिन दुल्हन के भाई को पुलिस लेके चली गई, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? देखिए जावेद साहब, इस मामले में मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। अब हम चलते हैं, जब भाई आ जाएगा तब रुख्सती भी हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? खुदा के वास्ते कुछ तो ख्याल करिए, मेरी बेटी का क्या बनेगा? हम ख्याल करें? ख्याल तो आपके बेटे को करना चाहिए था। जावेद अंकल गलत कर रहे हैं, इसमें लड़की का क्या कसूर है? मैं प्राव के मसले में पढ़ने की कोई जरूरत। क्या हो गया है हाशिम? तुम्हारी तो कजन है, सोच नहीं हो रहा तुम्हें? मैं जाके बात करूं। बैठो। बैठो। और सुनो, आज के बाद अपना मैका भूल जाओ। जिस तरह तुम्हारे भाई के करतूतों को भुलाकर हम तुम्हें अपने साथ रख रहे हैं ना, तो तुम्हें भी इस घर के उसूलों के मुताबिक यहाँ रहना होगा। आई समझ? जी। कि आप क्या कर रहे हैं? वलीमा कैंसिल कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? इसके बाप का फोन आ रहा है। क्या करना है? उनको भी बता दूं ना कि यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग यहां क्यों आएंगे? वो यहां आने की बजाय थाने जाएं, इसके भाई को छुड़वाने। अच्छा मामा, बाबा, आखिर आप लोगों को हो क्या गया था? ना कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना इनके बिजनेस के बारे में कोई मालूमात ली, और कर दी मेरी शादी। हाँ भाई भांजे, कैसे हो? एक बार मुझे यहां से बाहर तो निकलने दे, देख लूंगा तुझे। तमीज से बात करो परवेज। तमीज तो इसने सीखी नहीं है,
मुझसे पंगा लिया था ना, मुझसे टक्कर ली थी, देख लिया उसका अंजाम। मैं चाहूं तो तुम सारी उम्र इस जेल में सड़ते रहो। नहीं नहीं बफा, ऐसा ना, इसकी मां मर जाएगी। उसी का एहसास कर रहा हूं, वरना जो कुछ इसने मेरे साथ किया है ना, उम्र कैद की सजा दिलवाता है इसको। अच्छा तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा एक मशवरा मान, जाओ जाकर पुलिस को बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। गारंटी दे दो कहानी खत्म होते ही तुझे भी पकड़कर मेरे साथ यहाँ बंद कर देंगे। क्या पिद्दी का शोरबा, तुम्हारे बाप से एक जमाना तो हो नहीं सकता, एक शर्त पर तुम्हारी जान छूट सकती है। तुम इनकी भाष की बातों पर मत जाओ, शर्त बताओ। मेरे 4 करोड़ रुपए एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस कर दो। 4 करोड़? लेकिन गफार, और अगर मैं अगर मगर की ना तो सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे, समझे? तुम और तुम्हारा बाप दोनों मशवरा कर लो, मैं जब तक बाहर बैठता हूँ। लाख-लाख शुक्र है बेटा, तू खैरियत से वापस आ गया। पुलिस वालों ने तुम्हें मारा तो नहीं ना? कुछ नहीं कहा मुझे किसी ने। गोपाल भाई, किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने तो वाकई मामू होने का हक अदा कर दिया। बस कर दे अम्मा, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी बोल, बोल क्या चाहता है? क्या हो गया तुम्हें? मामू से तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? साहिदा, अंदर जाओ। इसे कुछ बताए तो सही, हुआ क्या? तुम अंदर जाओ। मुझे मेरी रकम चाहिए, 4 करोड़। और अगर मेरा नुकसान पूरा ना हुआ ना, तो जिस तरह से मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकाला, बिल्कुल उसी तरह मैं तुम्हें अंदर फेंकवा दूंगा दोबारा उसी जेल में, समझे तुम? मेरे पास इतने पैसे नहीं। मैं नहीं जानता, 4 दिन, मैं 4 दिन बाद फिर आऊंगा। तू रकम इकट्ठी करना शुरू कर दे, और अगर कोई चालाकी या होशियारी की ना तूने, तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। मैंने तुझसे कहा है ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं समझोगे तुम, नहीं समझोगे। लगता है कि तुम उनसे खफार क्या कर रहे हो? मैं वादा करता हूं पूरी रकम रखो वापस। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन है तुम्हारे पास नसीर भाई, तुम्हारी बात पे यकीन करके जा रहा हूं मैं, फिर आऊंगा 4 दिन के बाद। आओ अंदर आओ। हद हो गई, ये दिन भी आने थे। घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, अरसे फर्श पर आ गए हम, और गफार कमीने की लालच खत्म नहीं हो रही। तुम्हारी लालच की वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे शुक्र करो दुकान है हमारे पास, रोजगार है, वरना हम भूख से नहीं मर सकते। सही बात कह रहे हैं आप, भूख से नहीं मर सकते, लेकिन मैं अभी मर जाता। पता भी है मेरी टांग में चोट लगी हुई है, बाहर ही बैग छोड़कर आ गए आप। अल्लाह मां सदके, माफ कर दी। तुम क्या यहां घर का पोस्टमार्टम कर रही हो? जाओ जाके चाय बनाओ, जाओ। Yeah.
कड़क बनाना। मैंने तुमसे चाय बनाने के लिए कहा और तुम यहां खड़ी अपने गम का ताजमहल बना रही हो। ताजमहल बनाने के लिए शहजादे सलीम का होना जरूरी है और मेरे पास कुछ नहीं है, ना दुख ना गम ना आंसू। खैर, अभी किचन की यह हालत नहीं है कि मैं यहां कुछ काम कर सकूं। पहले सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। बचा नहीं है तो ये सफाई किस चीज की करनी है? चीनी नहीं लाए, मीठा कैसे बनाऊंगी मैं? मत बनाओ मीठा, बल्कि एक काम करो, जहर बनाकर सबको पिला दो। और आज के बाद मुझे ये बाजार मत भेजना सौदा सल्फ लाने के लिए। अच्छा, तो अब ये काम भी तुमसे नहीं होगा। मतलब ये काम करने के लिए या तो मुझे जाना पड़ेगा या खाला या तुम्हारी जवान बहन को। तुम नहीं करोगे ये काम। तुम्हें अब तक समझ नहीं आई, परवेज इतने छोटे छोटे कामों के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। अच्छा, तो तुम क्या काम करने आए हो इस दुनिया में? सारे खराब काम करने के लिए आए हो? किस लहजे में बात कर रही हो? शोहर है तुम्हारा, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाला, शर्म तो इसे आनी चाहिए ना, और आप भी इसको शर्म नहीं दिलाती हैं। कुछ करने था क्या? क्या है? इस मामले में ना बोलिए, मियां बीवी का मामला है, जैसे मैं कभी तेरे और अम्मा के मामले में नहीं बोला। आज आप दुकान से जल्दी कैसे आ गए? जल गई दुकान तुम्हारी बदमाशियों की वजह से। क्या खालू, क्या हुआ है? सच बोल रहा हूँ बेटा, कैसे उजड़ गई दुकान? सुना नहीं, हमारी बदमाशियों की वजह से। यार अब्बा जी, खुदा के वास्ते कोई बात तो सीधे तरीके से बता दिया करो, हम पर क्यों डाल रहे हो? हुआ क्या है? तुम असल बात जानना चाहते हो? तुम्हें तो कोई हक ही नहीं है कुछ पूछने का। तो सोते और खाते हो, बस यही करते हो, जो करना है वो करो। आलू प्लीज बताए ना, क्या हुआ है? बेटा क्या बताऊं, भत्ते की पर्ची मिली है, इतना मुनाफा नहीं है जितने की पर्ची मिल गई है मुझे। अब ये क्यामत देखनी बाकी रह गई थी। बस कर दे अम्मा, इसकी जरूरत हुई है जो परवेज के बाप से पर्ची ले, मैं उससे बात करता हूँ, देख लेता हूँ। आराम से बैठ, खतरनाक लोग हैं ये। अब क्या करेंगे? अब क्या होना है, हमें देना पड़ेगा। हम उन लोगों के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। हाय मैं मर गई, पहले कौन सी रेल पेल थी इस घर में, पहले तंगी से गुजारा हो रहा था, अब और मुसीबत। गुजारा तो करना पड़ेगा ना। हाँ गुजारा तो करना पड़ेगा, लेकिन पहले मेरी बात क्यों नहीं मानी आपने? कहा भी था आपसे कि उस घटिया दुकान को बंद करें। हाँ, तेरी तरह चोरी करूं, डकैती करूं, हीरोइन बेचूं क्या? ओ मेरे भोले अब्बा जी, वक्त बड़ा बदल गया है, क्यों नहीं समझ रहे आप? ये डाकू, सारा सिस्टम डाकू ही तो चला रहे हैं, ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे डाकू ही तो बैठे हैं, और हुकूमत कौन चला रहा है आपकी? अपनी बकवास बंद कर,
देख मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझे शराफत से ही रहने दे। ठीक है, आप शरीफों की तरह फिर फाकों भरी जिंदगी गुजारे, मुझसे को मशवरा ना कीजिए और ना ही मेरी मदद मांगिएगा। बहुत शुक्रिया। ये खर्चा कैसे चलेगा, ये मैं तो दुकान भी नहीं खोल सकता। मुझे घर जाना। क्यों, घर क्यों जाना है, और वो भी इस वक्त इतनी रात को। ठीक है कल सुबह ले चलना, लेकिन मुझे घर जाना है। हाँ लेकिन तुम्हें जाना क्यों है? जाना क्यों है मतलब, अपने अम्मी अब्बू से मिलने जाना है और मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ वो जरूरी काम क्या है? वैसे तो जिस तरह के बेगैरत शौहर तुम हो, तुमने मुझसे कोई भी सवाल करने का हक खो दिया है, लेकिन फिर भी एक अच्छी बीवी होने का सबूत देते हुए मैं तुम्हें बता देती हूँ, मुझे अपनी वहां से डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स लेने। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो डिग्रियां लाई जा रही हैं, है? ताकि यहाँ दीवार पर टांग कर हम पे रोब डाल सके। डिग्रीज दीवार पर टांगने या किसी पर रोब डालने के लिए नहीं होती है परवेज, वो मैं भूल गई थी, तुम तो मैट्रिक फेल। तुम्हें क्या पता कि डिग्री की क्या इम्पोर्टेंस होती है। बकवास बंद करो अपनी। मैं वैसे भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, मुझे बस घर ले चलो। मुझे घर जाके अपनी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स लेने, ताकि मैं जॉब कर सकूं, घर के लिए कमा सकूं। किसकी इजाजत से हैं? किसकी इजाजत से करोगी तुम ये नौकरी? तुम जैसे हड हराम से मुझे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम ही तो मुझे कल मशवरा दे रहे थे ना जॉब करने के लिए, तो अब मैं कर रही हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जॉब करूँ तो जाओ कुछ काम करो, घर में कमा के लिए करा। मैं नहीं करूंगी जॉब, मुझे कोई शौक नहीं आ रहा है जॉब करने। हाँ जैसे तुम तो मेरे हर मशवरे पर अमल करती हो, लेकिन ये बात कितनी जल्दी मान ली तुमने। सुबह हादिया आई थी। अच्छा क्यों? सर्टिफिकेट लेने अपने। मगर किस लिए? वो नौकरी करना चाहती है। अब नौकरी करेगी उन नाकदरों के लिए। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इस मुश्किल में पड़ गई हमारी बेचारी बच्ची। तुम्हें बड़ा शौक था ना अपने दुबई पलट भांजे से अपनी बेटी ब्याहने का, तब देख लो बेचारी पे क्या कुछ गुजर रही है। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे बहुत दुख हो रहा है इसके बारे में। खुद अपने हाथों से अपनी बच्ची की जान मैंने झंडों में डाल दिया, कितनी मुसीबत में है बेचारी, भेजा मुंह में आता है, लेकिन क्या करें, समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, मैं नसीर भाई से खुद बात करूं। ये कोई तरीका है? हादिया जाके नौकरी करेगी, अपना बेटा तो उनका निकम्मा बनकर घर पे बैठा होगा। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये हादिया का अपना फैसला है, बता के गई है मुझे वो, और ये भी कह के गई है कि हम उसके घर में और उसके मसलों में ना दखल ना दें। खैर छोड़ें, आप खाना खाएं ना। ले जाओ, भूख मर गई है मेरी। आप में से मिसेस परवेज कौन है? आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है? अरे आ गई मेरी इकलौती बेगम। हाशिम। हम्म? तुम्हारी पहली शादी क्यों खत्म हुई थी? अच्छी भली प्यारी लड़की थी, और अगर खत्म हो ही गई तो बिला वजह उसके शौहर से उलझते रहते हो, उस पे गुस्सा करते हो,
बहाने बहाने से उसे जलील करते हो, यानी अपनी शादी खत्म होने की वजह से उस पर गुस्सा करते हो, क्यों? ये तुम क्या कह रही हो? किस पे गुस्सा उतारता हूँ? परवेज, तुम्हारा कजन, उसकी बीवी ही तुम्हारी पहली बीवी थी, हादिया, है ना? हाँ। क्यों छुपाया तुमने मुझसे? क्यों नहीं बताया मुझे? किरण, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, और वैसे भी उसकी शादी हो चुकी है और हमारी भी। लफ्जों का हेर फेर मेरे साथ मत करना। इसीलिए तुम्हारा रवैया परवेज के साथ तल्ख रहता था, क्योंकि उसने तुम्हारी साबका बीवी से शादी कर ली थी, और मुझे तुम कहते रहे कि वो अच्छा लड़का नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो क्या उसका कैरेक्टर अच्छा? जो कुछ भी हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा है उस दिन, जब उसे पुलिस पकड़ के ले गई थी। इतना ही बुरा था तो हादिया ने उसे शादी क्यों की? एंड बाय द वे, तुमने उसे क्यों तलाक दी? ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ इन्हें और छोड़ो इन सबको। तुमने छोड़ दिया है? हाँ, अगर मैंने नहीं छोड़ा होता ना तो मैं तुमसे शादी कभी ना करता। छोड़ दिया है तो अच्छी बात है, उसे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा माजी, मुझे तुम्हारे माजी से कुछ लेना देना नहीं, तब तक जब तक वो मेरे हाल को मुतासिर ना करने लगे। मेरे हाल में तुम हो, सिर्फ तुम। किरण रिलैक्स, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हमारी शादी हुई है और ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बिलीव ऑन मी। शादी क्यों खत्म हुई थी तुम्हारी? अब तुम मेरे माजी को बीच में लाके ना अपना हाल खराब कर रही हो। भूल जाओ इस चीज को, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। जानती हो ये तजस्सुस बहुत ही बुरी चीज है, ज़हन में आग लगा देता, और जब इंसान के पास नामुकम्मल मालूमात हो ना तो ये उन आग पे तेल का काम करती है। तुम प्लीज इस तजस्सुस से बाहर निकलो, हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारे सामने हूं, सिर्फ तुम्हारा हूं। कभी कभी सब कुछ जाना जरूरी नहीं होता, क्यों बाजू का कुछ मालूम बहुत तकलीफ दे होती है इंसान के लिए। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। जी जी रहो बेटा, राफिया को भी काम दे दिया को। सारा दिन खुद थकती रहती हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है खालू, जब ये दफ्तर गई थी तो घर किसने संभाला था? मेरी बेटी राफिया ने। हर वक्त उसके पीछे ना पड़े रहा करें फजूल में। अगर ये घर संभालती है ना, बहू है इस घर की, फर्ज है इसका, एहसान नहीं करती हम पर। अगर यही बात कोई और कहे तुम्हारी बेटी के बारे में तो तुम्हें कितना दुख होगा। सास को बेटी और बहू के बारे में एक जैसा सोचना चाहिए ताकि घर में फसाद ना हो। बहू भी सास को माँ समझे तब ना। आप कैसी बातें कर रही हैं खाला, आप मेरी खाला भी हैं, सास बाद में, आप मेरी माँ की तरह ही हैं। रहने दे बीबी, रहने दे, सब जुबानी कलामी मोहब्बतें, जानती हूँ मैं अच्छी तरह। तुम तो हमें पहले ही मुंह नहीं लगाती थी, बात नहीं करती थी, अब क्या काक करोगी? भाई परवेश कहाँ है, उठ गया है या अभी तक बिस्तर तोड़ रहा है? खालू सो रहा है। छोड़ें ये सब, आप मुझे आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। इस मनहूस घर में कोई खुशखबरी हमें मिल सकती है? अरे बात तो सुन लो, क्या कहना चाह रही है, पहले ही उसको बुरा समझती हो। हाँ बेटा बोलो। खालू मुझे जॉब मिल गई। खुशी की बात नहीं है बेटा? खुशी तब होती जब तुम ये बताती कि परवेश को नौकरी मिली है। ठीक है, इंसान के सारे ख्वाब तो पूरे नहीं होते ना। मुबारक हो बेटा। शुक्रिया।
खाला। बेटा कब से जाना है? जी पहली तारीख से। चलें आप नाश्ता कर लें। कितने मजे से इजाजत दे दी आपने, घर के काम कौन करेगा? घर के काम हो जाते हैं जब सर पे पड़ती है तो सब कुछ हो जाता है। रेस में अकल आ जाती तो शायद इस बिचारी को नौकरी नहीं करना पड़ती। तनख्वाह कितनी है? खाला अभी तो 65,000 है, फिर आगे बढ़ जाएगी। 65,000? लेकिन बीबी तुम्हारे 65,000 की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने क्या करने? तुम अपनी मर्जी से नौकरी कर रही हो। और सुनो एक बात, अपनी माँ को अच्छी तरह समझा देना, जो कुछ भी कर रही हो अपनी मर्जी से कर रही हो, कल को तुम्हारी माँ के हमें आंखें दिखाए कि हमने तुम्हें मजबूर किया। जी खाला अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा तो खुश हो जाए। अच्छा जैसा तुम्हारी मर्जी। खाला ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था, लेट हो गया। सुनो बीबी ऑफिस की करो छुट्टी, आराम से घर बैठो, दफ्तर का काम वाम नहीं चाहिए, घर का काम करो। मैं नहीं घर का काम कर सकती, तुम्हारा घर है तुम संभालो। तुम्हारे शौहर को हर 2 घंटे बाद भूख लग जाती है, राकेश ने तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर लिए, वो काम नहीं करेगी भाई का। तेरा शौहर है तू जान वो जान। खाला मैनेज कर लेंगे सब, ये ले आप। ये क्या? खोल के देखिए। दीजिए। ये तो पैसे हैं। अरे वाह, लगता है बेगम साहिबा की तनख्वाह आ गई है। लाइन में दिखाएं जरा मैं भी गिनूं। बकवास बंद कर बेगैरत, बजाय इसके के तू कमाकर इसको दे, इसके पैसों पर नजरें रखी हुई है। ज़ायदा वापस करो इसको, जल्दी लो। लो तुम्हारी कमाई है हमारे किस काम की? खाला ले इसे आप अपने पास रखें, आप घर चला दिए इसकी जरूरत आपको है, मैंने अपने जेब खर्ची के पैसे ले लिए। नहीं ना। अरे रखें आप, मानी मिलेगा। शर्म का मुकाम है। और भाई क्या हाल है? ठीक। सुना है? हाँ सही सुना है, बिल्कुल सही सुना। डूब गया मेरा कारोबार, सड़कों पे आ गया, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब वापस लेकर आऊंगा मैं। परवेज नाम है मेरा, परवेज। वही टॉर वही टशन वापस आए, तुम लोग सलाम करोगे मुझे फिर से? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम चाहो तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तू मदद करेगा मेरी? हाफ माइंड परवेज की मदद करने के लिए ना दिल गुर्दा जिगरा सब चाहिए। रस्सी जल गई पर बल अभी भी नहीं गया। खैर तेरी मर्जी है। अच्छा सुन, बैठ बैठ, चल बता क्या तरीका तेरा। ऐसे नहीं, पहले एक दूध पत्ती का तो ऑर्डर दे। मैं ना हमेशा मांगते कि मांग, एक दूध पत्ती लेके आ। अच्छा मेरी बात गौर से सुन, मेरे चाचा के पास 3 प्लॉटों की फाइल पड़ी है, एक प्लॉट की कीमत 4 लाख रुपए है,
तीन महीने के अंदर वही प्लॉट 12 लाख के हो जाएंगे। अगर तू चाहे तो एक प्लॉट तुझे दिलवा सकता हूँ। क्या बकवास कर, 4 लाख का प्लॉट 12 लाख का कैसे हो जाएगा? अबे मेरी बात सुन, प्लॉट के पास एक प्लाजा बन रहा है, प्लाजा बनते ही प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अबे क्या सोच रहा है, ज्यादा मत सोच, खरीदार बहुत है मेरे पास, तू पुराना दोस्त है इसलिए तुझे बता रहा हूँ। 1 टका नहीं है मेरे पास, 4 लाख रुपया कहाँ से लेके आऊँ? भाई अब देख ले, आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव तो मारने ही पड़ते हैं। तेरी बीवी के पास जेवर वगैरह नहीं है क्या? वो बेच के इन्वेस्ट कर दे। अब कोई जेवर नहीं, सारा जेवर पहले ही बेच दिया, फिलहाल कुछ नहीं है मेरे पास। वैसे तेरी बीवी नौकरी तो करती है ना? अबे करती है तो? अबे गुस्सा क्यों हो रहा है यार? मैं तो इसलिए बोल रहा था कि अगर वो नौकरी करती है तो ऑफिस से लोन वगैरह ले सकती है। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ये 2-3 महीने है बस, फिर हमारे हालात बदल जाएंगे। पता नहीं क्यों तुम एक बात पे। ये लो बेटा चाय ले लो। अम्मा तू ही समझा ले इसे, मेरी बात तो इसको कभी समझ में ना आई है ना आएगी। खाला इस इंसान पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जैसे सब चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। अगर इसकी बात हमने मानी ना तो शायद इस घर से भी हाथ धोना पड़े। हादिया कल को राफिया की शादी भी करनी है, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। भले तुम्हें प्रवेश पर जरा भी भरोसा नहीं, लेकिन ये तो तुम भी जानती हो ना, ये घर उसने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत में लेकर दिया था। हाँ हम चाहें तो ये घर बेच सकते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं सर कहाँ छुपाएंगे। खाला हादिया देखो एक ही तरीका है, तुम अपने ऑफिस से लोन ले लो, सबका भला हो जाएगा, 2-3 महीने में वापस कर देना। खाला आप जानती हैं अच्छे से कि अभी अभी मुझे जॉब मिली है, और ऐसे ऐसे में उनसे मैं लोन कैसे मांग सकती हूँ, कैसे देंगे वो लोन मुझे? ओहो तुम कोशिश तो करो, इंसान नेक नियति से कोशिश करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। फिर कह रही हूँ प्लॉट भले अपने नाम पर ले लेना, come in। सर वो मुझे लोन के लिए अप्लाई करना था, अगर आप HR डिपार्टमेंट में बात करिए तो। आदिया रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉब कर रही हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तुम यहाँ जॉब कर रही हो और मुझे पता भी नहीं चला, कब से? तुम्हें इससे क्या लेना देना? इसका मतलब है कि परवेश कोई नौकरी नहीं कर रहा। जब इंसान आसमान से नीचे गिरता है तो उसे जमीन की खाक पसंद नहीं आती, वो भूल जाता है कि वो किस मिट्टी से बना है, इसलिए वो जॉब नहीं कर रहा। तुम्हारा इस तरह यहाँ नौकरी करना ये तो उस मसले का हल नहीं है, तुम क्यों उसकी खातिर इतनी मुशक्कत? एक मिनट, वो मेरा शौहर है। जानता हूँ, लेकिन शौहर का काम होता है कमाना, अपनी बीवी की जरूरियात को पूरा करना, ना कि उसको इस तरह नौकरी पे भेजना। तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चाचा जान से बात करूँ। चाचा जान से तुम कोई बात नहीं करोगे, किसी से कोई बात नहीं करोगे, ये जॉब मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तुम्हें इन मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। हादी रुको, ऑफिस में किसी लड़की के साथ इस तरह से बिहेव करने का मतलब होता है हैरेसमेंट। अच्छा बताओ मुझे कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम्हें
इस कंपनी से कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें दे दूंगा। एग्जैक्टली, अब मुझे ना कंपनी से कोई लोन चाहिए ना तुमसे कोई लोन चाहिए। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। आतिया, तुम इस वक्त क्या हुआ? नौकरी तो नहीं छोड़ दी ना? नौकरी छोड़ दी मैंने। क्या? ये क्या कह रही हो तुम नौकरी कैसे छोड़ के आ सकती हो? अगर नौकरी ना रही तो तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपने दफ्तर से मुझे लोन लेके दोगी, है ना? वो लोन की बात तो की है ना तुमने वहां पर? नहीं? हादी, ये आज इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गई? नौकरी छोड़कर आ गई आपकी लाडली, थक गई है ना हम सबको पाल पाल कर। बड़ी आई थी, आपको ही बड़ा मान था ना कि ये पैसे लाला के दे रही है। बहुत सगा समझती थी आप इसे अपना। ऐसे लोग सगे नहीं बनते हैं किसी के भी, बहू बहू ही होती है, याद रखिएगा। बेटी की जगह नहीं ले सकती है। खाला, ये नौकरी छोड़ दी है, आप परेशान ना हो, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। कैसे परेशान नहीं हूँ? तेरी तनख्वाह का ही तो आसरा था, उस आसरे पर मैंने कमेटी डाली थी। कहाँ से दूंगी कमेटी? और तो और राफिया के रिश्ते के लिए बोला हुआ था खाला को। हाय, मैं मर गई, वो तो दो चार दिन में उनको लाने वाली, कहाँ से करूंगी खर्चा? तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। कहाँ से मिल जाएगी दूसरी नौकरी? इस नौकरी को कीड़े पड़ गए थे क्या? कोई प्लेट में रख के बैठा हुआ दूसरी नौकरी? दो चार महीने लगेंगे ना बीबी, घर का गुजारा कैसे होगा, कहाँ से करेंगे खर्चा? अम्मा, समझ क्यों नहीं रही है? ये यही चाहती थी कि हम इसकी मिन्नत समाजत करें। एक महीने की तनख्वाह तेरे हाथ में रखकर बदल गई, बहू बहू ही होती है, तू ज्यादा सगी बन रही थी ना इसकी, अब देख ले। सुनो, इधर देख, तो मेरे 4 लाख रुपए जो तुमने मुझे दिलवाने थे वो किधर है? उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तुम आज काम पे नहीं गए? नहीं। घर पे कोई नहीं है क्या? खाला खालू को लेके डॉक्टर के पास गई और परवेज अपने कमरे में। और राफिया? वो अपनी किसी सहेली के यहाँ गई। तुम काम पे क्यों नहीं गई आज? मैंने जॉब छोड़ दी है, दूसरी जॉब तलाश कर रही। क्यों, क्या खराबी थी उस नौकरी में? ऑफिस बहुत दूर पड़ता था अम्मी, जाने में बहुत परेशानी होती थी। जगह दूर पड़ती थी या वहां पे कोई करीबी था? क्या मतलब? तुमने वो नौकरी हाशिम की वजह से छोड़ी है ना? आपको ये सब किसने बताया? हाशिम घर आया था क्या? तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है वो। किस बात की फिक्र कर रहा था और किस हैसियत से वो मेरी फिक्र कर रहा था? उससे कहें अपनी बीवी की फिक्र करे बस, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। काश मुझ में कुछ अकल होती उस वक्त, सब ना करती तो तुम इस हाल में ना होती अभी। आप बिना वजह अफसोस ना करें, छोड़ें ये सब, अपने आप को क्यों कोस रही हैं? ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। किसने दिए ये आपको? हाशिम ने दिए ना? बताएं किसने दिए? ससुराल को पालना है ना, हर महीने में तुम्हें पैसे दे जाया करूंगी। हाशिम ने दिए और आपने पैसे रख लिए अम्मी? वाह, ठीक है, मैं ये पैसे रख लेती हूँ अपने पास। खुद मैं अपने हाथों से उसके मुंह पे मार के लाऊंगी ये पैसे। उसकी बीवी की दौलत की खैरात मुझे नहीं चाहिए।
ऑफिस जा रहे हो? हाँ, और इस वक्त मैंने कहाँ जाना? ठीक है जाओ, लेकिन हादिया का आज आखिरी दिन होना चाहिए ऑफिस में। तो मुझे हुक्म दे रही हो क्या? ऐसे ही समझ लो। तो फिर तुम भी एक बात अच्छे से समझ लो, अगर तुम भी आंटी की तरह मुझ पर इस तरह हुक्म चलाती रही तो आदिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा आखिरी दिन जरूर होगा ऑफिस में। क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? तुम्हारी बीवी परवेज के पास आई थी, ना जाने क्या क्या कह के गई है वो मेरे बारे में। बेगैरत बेशरम औरत, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? हबीब अपने यार से बात कर रही है ना, तेरे जैसी औरतों को तो संसार कर देना चाहिए। मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी किरण। कैसी उम्मीद, क्या किया मैंने? तुमने परवेज से बात की थी? ओ, तो ये बात। हाँ मैंने बात की थी, जब तुम हादिया से मिलने से बाज नहीं आ रहे थे तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। ये तुमने क्या किया किरण? तुमने अपनी रकाबत की आग में उस लड़की के किरदार को मशकूक कर दिया। तू जानती भी हो उसका शौहर उसके किरदार के बारे में बातें कर रहा है, उसको मार रहा है, और तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना था। मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया है। अब कौन सी मोहब्बत बची है हमारे दरमियान ये सब कुछ करने के बाद? मोहब्बत तो पहले भी नहीं थी, मगर साथ तो बाकी रहेगा। जब तक साथ बाकी रहता है तो मोहब्बत हो जाने की उम्मीद भी बाकी रहती है शायद, लेकिन तुम अब इस उम्मीद को भी ना रखना अपने पास, चूंकि मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ के जा रहा हूं। जितना भी गम है किरण, हैरान हो गए मुझे यहां देख। नहीं आओ अंदर। नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। लेने आई हूँ? कहाँ चले? हाशिम खत्म कर दो नाराजगी, मैंने मम्मी को समझा दिया है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैंने अच्छा? भी बहुत एहसान किया है मुझे माफ करके। मुझे तुम लोगों के किसी भी एहसान की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे बहुत जल्द एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सका मैं करूँगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं उस घर को छोड़ के इस घर में रहूंगी। हाँ, उस घर को छोड़ के तुम इस घर में रहोगी अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो? तो मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। तो होश में तो? मेरी मम्मी ने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा दी, घर गाड़ी बिजनेस आश्रम में मकान, तुम उस हादिया की वजह से मेरे साथ ऐसे कर। प्लीज किरण, प्लीज। तो हादिया की जिंदगी पहले ही अच्छी रही थी और तुमने उसकी जिंदगी और मुश्किल में डाल दी। ताकि अब तुम हम दोनों की लड़ाई के बीच में तो उसे मत लाओ। क्यों ना लो? उसी लड़की की वजह से ये सब हो रहा है, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? बदकिरदार लड़की को देखो, नशोर होते हुए तुम्हारे साथ चक्कर चला। जवान को लगाम दो। हां तो मैं तुम्हें दूंगी, देखती हूँ मैं तुम मुझे कैसे छोड़ते हो। देखना चाहती हूँ मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगा, कैसे छोड़ूंगा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।
किरण, किरण, किरण। चले जाओ यहां से हाशिम, मैं कहती हूं चले जाओ। जब सारे रिश्ते खत्म हो गए, अब कौन से नाते से तुम यहां आए हो? इंसानियत के नाते। अगर तुम में इंसानियत होती तो तुम यूं मेरी बेटी को ना छोड़ते। आपकी यही हाकमियत मेरी इंसानियत पे हावी हो गई है। मैं आपका दामाद था, गुलाम तो नहीं था। अपने गुनाहों का सेरा तुम मेरे सर पे मत सजाओ। साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने मेरी बेटी का सिर्फ शौहर होने का ड्रामा किया था? वरना आपकी यही शकी फितरत आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेटी के वजूद का हिस्सा बन गया। ना जाने कब कैसे वो बेबुनियाद शक के हाथों पे जिंदगी बर्बाद कर बैठी। आप अमीर लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो चाबी से चलने वाले खिलौने होते हैं ना, ये टूट जाया करते हैं। और मैं भी आपकी गलती की वजह से टूट चुका हूं। अच्छा वो परवेज तुम आ गए। यकीन करो आज मैं इस घर में कदम रखने से पहले अपनी अना को अपने पैरों तले कुचल के आया। चाहता हूँ कि तुम वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम दूं, तुम्हें इज्जत दूं, तुम्हें मोहब्बत दूं। आगे खुदा का वास्ता है तुम, खुदा का वास्ता मेरी बात का यकीन करो, मैं बदल गया हूँ। हादिया मैंने अब्बा की दुकान पर भी बैठना शुरू कर दिया है। मेहनत मजदूरी करके हलाल की कमाई कमा रहा हूँ। मेरे साथ वापस आ जाओ। तुम्हारे जाते ही हमारा घर कब्रिस्तान की तरह वीरान हो गया। खुदा के वास्ते हमारे घर को दोबारा आबाद कर। समझो कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये आखिरी ख्वाहिश है, खुदा के वास्ते मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो और मेरे साथ चल दो। अभी तो मैंने उसे आजमाया भी नहीं था। चला झूठ कहता था कि सुधर गया। सुधरने वाले ऐसा करते हैं कि वो वाकई सुधर चुका था। आगे वो लम्हा हिदायत जो अल्लाह की तरफ से होता है ना, वो उसे मिल चुका। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया ताकि वो तुमसे और अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ ही ना सके। वरना इस दुनिया में तो अच्छे खासे लोग भड़क जाते। जानती हो आज तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही है,
और नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हादिया, अब तुम इस गम से निकल के अपनी आगे की जिंदगी प्लान करो। जानती, किसी के चले जाने से जिंदगी का निजाम नहीं रुकता। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द अपने हालात के साथ समझौता कर लूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत के नर्म सेज पे ख्वाहिश का समां। सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत के नर्म सेज पे ख्वाहिश का आसमान।